ट्रेवर भाई कब तक आएंगे? हम काफी समय से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपने कहा था वो जल्द आएंगे। चिंता मत करो दोस्तों, ट्रेवर भाई आने वाले, जब वो आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता न भी जाएगा। लो आ गए वो। आई होप अच्छे होंगे। ट्रेवर ने काफी ज्यादा स्कॉर्पियन माफिया को दी एंड कर ले, मतलब कि कर चुका है ऑलरेडी और भी करने में लगा हुआ है। फिलहाल आपने लास्ट एपिसोड देखा ही था, स्कॉर्पियन भाई जी हमारे मतलब बॉस भी मर चुके हैं, दो बंदों को ट्रेवर ने दी एंड कर दिया, सिर्फ 10 ही बचे, नहीं 10 नहीं 9 बचे हैं सिर्फ बेचारे। एंड उनके साथ भी सारे साथ दी एंड खत्म हो जाएगा। और ट्रेवर ने उनकी एक बहुत अमेजिंग कमजोरी पता कर ली है जो इस एपिसोड में ट्रेवर पूरा कर देगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रेवर करेगा आज इस एपिसोड में। स्कॉर्पियन माफिया की वो कहते हैं पूरी बैकबोन खत्म हो जाएगी, कमर पूरी खत्म, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि उनका मेन बिजनेस ट्रेवर टेक ओवर करने वाला है उनकी सारी माफिया के साथ साथ। एंड वो बेचारे अब कुछ काम के नहीं रहने वाले भाई, पहुंच चुके। एंड फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर, कुछ वीआईपी बंदे एंड कुछ बाला वाले बंदे। दरअसल 4-5 दिन के अंदर ट्रेवर ने पूरा लॉस एंजेलिस की माफिया को टेक ओवर कर लिया एक तरीके से। छोटे बंदे जैसे भी लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, ट्रेवर ने कुछ काम किए थे एंड ये वाला काम भी अमेजिंग लेवल, अरे मजा उड़ा दिया। ड्राइवर पत्ते भी सुधरेगा नहीं, सभी के सामने बेइज्जती करवाते रहता है। तो फिर लास्ट एपिसोड की मैं आपको बातें क्लियर कर देता हूँ। लास्ट एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं होता, मतलब सिंपली काम करते। ड्राइवर ने ये पता किया था, वो पता किया था, ड्राइवर के दिल के ऊपर था लास्ट एपिसोड उसमें। मतलब हमने कोशिश कर दी अपना हार्ट वापस ले लें, बट भाई वो ले नहीं पाए एंड वो फाइनली बेच दिया उस नमूने ने, डॉक्टर ओल्ड के मालिक ने जो भी वो था उसने उसको बेच दिया हमारे भाइयों को, स्कॉर्पियन माफिया को। ड्राइवर को मालूम नहीं है बट देखते जो होगा उसको अलग रख दो। उसके अलावा ट्रेवर को एक कमजोरी पता लगी इन बंदों की, वीकनेस जो है इनका बहुत बड़ा बिजनेस जिनसे सब कुछ चलते हैं और चलाते हैं, इनसे ये पल रहे बंदे आज तक, जो है ड्रग्स का काम। वायरस बेच करके भी शायद से इनका इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता जितना ड्रग्स का काम करते, जो आपको पहले से पता है मैंने बता के रखा है। केन भी यही काम करता था एंड वो अपने कूपर भी यही काम करती है एंड स्कॉर्पियन माफिया भी, ये सारे के सारे बंदे ड्रग्स का काम बड़े जी से करते हैं। वो कहते हैं बड़ा दम लगा के, यही इनका मेन काम है जो अब ट्रेवर अपने कंट्रोल में लेगा। ड्राइवर ने बोल दिया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बनूंगा। देखो बनेगा ड्राइवर, इसलिए नहीं कि नुकसान करेगा दूसरे का, फायदे के लिए। अब जितना भी ड्रग्स सप्लाई होगा पूरे वर्ल्ड में वो ड्राइवर के अंडर में रहेगा एंड उसके बाद में ड्राइवर उसको दी एंड करेगा। पहले हमें ड्राइवर को मतलब को ऊपर जाना है, उसके बाद तभी इस बिजनेस को टेक ओवर करके इसको दी एंड करेंगे, ताकि ये चीज़ कभी ख़त्म ना हो सके, मतलब कि बंदों की लाइफ बर्बाद ना कर सके। वो बाद में बड़ा भी इन सभी को टेक ओवर करना है। तो मैंने फिर बाहर से स्कॉर्पियन बंदों को, कुछ बंदों को बुलाया, ये स्कॉर्पियन माफिया के लिए काम करते हैं। मैंने बोला मेरे भाइयों मेरी टीम में आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दूंगा, जिंदगी बड़े प्यार से कटेगी तुम लोगों की, डबल पैसा मिलेगा ये वो। तो फिर कुछ बंदों के दिमाग में बात आ गई, बेचारे आए और बोला ठीक है ट्रेवर सर हम आपको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आकर के अब मैं इनसे पूछताछ कर रहा हूँ कि आखिर बताओ तुम्हारा कहाँ कहाँ पर मेन हेडक्वार्टर है, कितने मेन बंदे काम करते हैं, स्कॉर्पियन माफिया कहाँ कहाँ पर ड्रग्स से सारे काम चल रहे हैं, कैसे सब चीज़ हम कंट्रोल में कर सकते। बंदों ने लगभग सारी बात बता भी दी है। और रही मैं बाला वालों की, सबसे पहले मैं 3-4 दिन पहले इनके पास ही गया था। मैंने बाला वालों को बोला भैया देखो तुम लोग स्कॉर्पियन माफिया के साथ जुड़ चुके हो मेरे को पता है, बट मेरे साथ काम करो, डबल पैसा मिलेगा, ड्रग्स का काम करना करो, मैं खुद करवाऊंगा, मैं ड्रग्स का सबसे बड़ा माफिया बनना चाहता हूँ। आज तक आपको पता है ड्राइवर ने कभी ड्रग्स का काम कभी नहीं किया, ड्राइवर सिर्फ तो सपोर्ट करता ही नहीं है। हम करेंगे बट अच्छे के लिए, ताकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे और दुनिया सुधर जाए। तो ट्रेवर बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लोड, अमेजिंग लेवल। तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे बाला वाले ने बात सुनी ये तो पागल हो गए कि ट्रेवर सर सच्ची में अब हम ड्रग्स बेच सकते हैं। मैंने बोला आराम से, जितना चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा, जितनी ड्रग्स खरीदनी है खरीदो बेचो कोई टेंशन नहीं है। तो बंदा ने मुझे ज्वाइन कर लिया, लॉस्ट वाले ने मुझे ज्वाइन कर लिया, लॉस्ट एंड जितनी माफिया सब मेरे अंडर में आ गए एकदम से तुरंत ड्रग्स का काम सुनते ही। और इन्होंने फिर मेरे को बताया ड्राइवर साहब चिंता मत कीजिए हम मीटिंग करवाते हैं आपकी स्कॉर्पियन माफिया से। इन्होंने सेटिंग करवाई जो भी करा और मेरे सामने बुला दिए बंदे, बंद से बात हो गई है, कुछ जगहों के बारे में मेरे को बता दिया है, बाकी बातें चलते चलते करेंगे। तो इस एपिसोड में ड्राइवर का यही टारगेट रहेगा
कि स्कॉर्पियन माफिया की पूरी बैकबोन हम तोड़ेंगे, उनको पूरा गरीब बना डालेंगे, उनके पास कोई बैकअप नहीं होगा, ना उनके पास आर्मी होगी, ना उनके पास पैसा होगा, ना बिजनेस होगा, क्योंकि सब कुछ ट्रेवर टेक ओवर करने वाला है। उसके बाद सिर्फ मतलब कि स्कॉर्पियन माफिया के पास बचेगी सिर्फ सुज़न और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स पास, और कुछ नहीं। और उसके बाद चलेगा बहुत खतरनाक खेल, क्योंकि स्कॉर्पियन माफिया के पास अब करने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय सुपर पावर्स के। और उसके बाद ट्रेवर अब देखते हैं फिर उनकी सुपर पावर से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, यही तो देखने की बात है भाई। तो ट्रेवर भैया गाड़ी की तरफ पहुंचा दी, अभी तो यहीं पे पार्क करी थी, चेक करता इन बंदों की पहली वाली जगह पर निकलते तो देखते हैं हमारे प्यारे भाई ने मतलब कि सही बोला या नहीं बोला, तो वो पता लग जाएगा। एंड भाई फिलहाल मैंने आपको बताया रखा इस वाले एपिसोड में बहुत डंडे बजाएगा ट्रेवर, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जो कोई सामने आएगा वो खत्म। एंड सबसे बड़ा ड्रग माफिया हमको बनना है वो बन जाएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेवर करने वाला है बर्बादी, मतलब कि लेस्टर की शादी। अब देखते हैं लेस्टर शादी पे कैसा लगने वाला है। एंड फिर इसके बाद मैंने आपको बताया रखा है सुपर वाले काम होंगे, जैसे कि पैडॉक्स भैया बहुत दिन से ध्यान लगा रखा है उसने, बहुत दिन से वो ध्यान लगा रखा है, पावर वगैरह रखी है। अब देखेगा वो बंदा कितने पागल वाले काम करने वाला है, बहुत ज़्यादा पागल वाले काम करेगा। एंड अब आएगा आपको देखने में मज़ा, क्योंकि पैडॉक्स जैसा आप लोगों को देखना था पैडॉक्स अब ऐसा ही हो जाएगा, हो चुका है, जल्दी दिखेगा। तो ठीक है ट्रेवर भैया फटाफट निकले, बट ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम स्कूल में आपकी कमर नहीं तोड़ेंगे तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। इनको अब हम मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा इस एपिसोड में, उसके बाद ये हमारी कहानी को आगे लेकर के जाएंगे अपने तरीके से, सुपर तरीके से, जैसे भी तरीके निकलेंगे आप एपिसोड में देख लेना। तो ठीक है ट्रेवर भैया इधर आगे निकलिए, पहुँच चुका हूँ जगह पर, टनल काफ़ी लंबा है, बंदा यहाँ पर कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ट्रेवर भैया, आराम से पहुँच जाइए एंड तक। एंड अरे लो ऊपर लग गए ट्रेवर, ट्रेवर भैया छत पर थोड़े से टच हो गए, एंड ट्रेवर जैसे टच हो जाता है ना तो फिर गिर जाता है बेचारे के, उन्हें हालत खराब हो जाती है, ज़्यादा ऊंचा मतलब यार स्पीड होती है ना तो चोट लग जाती है ट्रेवर भैया को। और ट्रेवर भैया इतने वीक नहीं है, आप जो फ्री में काम करते हो तो ठीक है, चलिए वोल्ट है, देखते वोल्ट क्या है क्या है। ट्रेवर जी ओपन करो, चेक करो, खबर सच्ची है नहीं पता लग जाएगा। अंदर मैं पहुँच चुका हूँ, ड्रग्स सच्चे बहुत सारी, मैं वो तो मेरे को पता ही है, बंदे बहुत ड्रग्स का तगड़ा काम करते हैं, दबा कर काम करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ये मुझे भी नहीं पता, बट ये बंदे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था केन के, मैंने आपको बिजनेस दिखाया था शुरू में जब ये माफिया का चक्कर चला था, तो केन बहुत सारा ड्रग्स बेच रहा था, कूपर बेच रहा था, एंड स्कॉर्पियन माफिया भी, ये तीनों ड्रग्स का ही काम करते हैं, और ड्रग्स से ही आज तक इनकी माफिया ऊपर गई है, इनके पास और कोई बिजनेस नहीं है, ना ये वेपन का काम करते ना गोल्ड का ना किसी चीज़ का, ये सिर्फ ड्रग्स के अंदर घुसे हुए हैं। और आज इनकी ड्रग्स होगी ट्रेवर की हर एक चीज़। तो ठीक है ड्राइवर भैया खड़े हो जाइए, चलिए फटाफट से। तो बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि ट्रेवर भैया अब ये वाली पावर यूज़ क्यों नहीं करते, ड्राइवर भैया ओपन कीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। मैं वैसे ही बस इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास नई पावर आ करके रखी है और ये कुछ ज़्यादा तगड़ी है, ये वाली बहुत खतरनाक हो, जैसे कि आपको बताया पागल हो गए भे दिख नहीं रहा ड्राइवर, इनको तो इतना सदमा लग गया कि क्या ही बोले। हेलो आई हो, तो फिलहाल चलिए पावर को बंद कर लेते हैं, बाकी अच्छी है पावर, बट मैं ज़्यादातर ये वाली मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, ये नई पावर जो है ये सबसे अच्छी है, ये उससे भी अच्छी है, क्योंकि देखो वो अपनी जो है आग वाली पावर उसमें आपको एम लगाना पड़ेगा, बंदे को फेंकनी पड़ेगी आग को, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ दे चले जाओ बंदा जो भी कोई रेंज में आपस में, मतलब थोड़ी देर में मरता चला जाएगा। तो ठीक है चलिए बंदे मैंने ख़त्म कर दिया, ये ज़्यादा फास्ट है और फास्ट चीज़ें ज़्यादा सही रहती है क्योंकि उससे थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं पावर है बहुत बढ़िया, बट ट्रेवर उसको कभी कभी कम यूज़ करता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ट्रेवर भैया अमेजिंग लेवल, तो ठीक है चलिए अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, ड्रग्स तो काफ़ी है, और कोई बंदा है यहाँ पर नहीं है, या फिर कोई सीक्रेट बेस है यहाँ पर आसपास नहीं है, वो पता लग जाएगा। बाकी बाले वाले बंदे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं सब चीज़ पता करने में, क्योंकि वो मेरे वफादार है, एंड लोस्ट भी मेरे वफादार कह नहीं सकते एक तरीके से, वो ड्रग्स के वफादार है, जब तक ट्रेवर ड्रग्स का माफिया बनकर रहेगा वो मेरे वफादार रहेंगे। कहीं में बाले वाले बंदों ने मज़ा उठा कर रखा है, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आज तक कभी किसी ने इतनी ईमानदारी से काम नहीं किया, वो आप देखेगा। ट्रेवर भैया चेक करो, मैंने हैंगर में ड्रग्स सारी कब्जा लिए, एंड मैंने अपने प्यारे बाले वाले बंदों को फ़ोन कर दिया, एंड लोस्ट को भी, तो फटाफट से सारे ड्रग्स लेकर के निकलो, हैंगर पे कब्जा करो, एंड इसको अपने वेयर हाउस में जमा कर दो, एंड बेचना शुरू करो पूरे वर्ल्ड में, और बोलो ट्रेवर से बड़ा ड्रग का डीलर कोई नहीं है, अगर ड्रग्स लेनी है तो सिर्फ ट्रेवर फ्लिप्स लो, अगर नहीं लोगे तो मरोगे, बड़ा बुरा मरोगे, क्योंकि ट्रेवर से बड़ा माफिया कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, बात चलने वाली थोड़ी देर में, बाला वाले ने पूरा सेटअप कर दिया है, करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रेवर जब चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेवर अपनी पर आ गया था वो बताइए माफिया लाइन में कुछ भी कर सकता है। ड्राइवर मेरे प्यार लाल आगे निकल, बंदे नहीं माने तो कोई बात नहीं, हमारे पास 70 तरीके हैं, हमारे पास इतने तरीके हैं बंदों को अपनी बात मनवाने का, अगर प्यार से नहीं माने ना कि ड्राइवर तुम छोटे बंदे हो तुमसे ड्रग्स हम नहीं लेंगे तुम्हें तो ख़त्म कर देंगे सुन माफिया, अगर ऐसा किसी ने बोला तो उसको ड्राइवर अलग से देखेगा। ड्राइवर भाई निकलो जरा, अभी अपनी नई आर्मी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आर्मी बेस पर मैंने अपनी कुछ नई आर्मी लगाई एक जगह पर, क्योंकि स्कॉर्पियन माफिया कुछ बंदे ख़त्म करने ना जो शहर में ड्रग्स का काम करते हैं उनको ख़त्म करना है, ड्रग्स तो हम ढूंढ ही रहे हैं बट शहर में भी बहुत सारे बंदे जो उनके लिए काम करते हैं बेचते रहते हैं,
तो चलिए फटाफट से जाकर के उनका दिया करते हैं एंड एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आज ये काम ट्रेवर का होगा, सिर्फ ट्रेवर का और किसी का नहीं हो। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैंने इसी तरीके की अपनी आर्मी बनाई थी एंड फिर से मैंने अपनी इसी तरीके की आर्मी बना ली है। ये मेरी खुद की प्राइवेट आर्मी जो आर्मी बेस पर रहकर काम करेगी। 2-in-1 ये ड्रग्स का काम को संभालेंगे। इससे मेरे को पहचान रहेगी कि भाई ये बंदे ड्रग्स के लिए काम करते हैं। जो ब्लैक ड्रेस इन बंदों की अमेजिंग लेवल से ये सारे सारे ड्रग माफिया बनेंगे। मेरे लिए अलग जगह जगह पर सारे के सारे वेयर हाउस खरीदेंगे, बंकर खरीदेंगे, बेचेंगे, लाएंगे सामान वगैरह वगैरह सब चीज़ हैंडल करेंगे। मेरे प्यारे गंजो, बाकी तुम्हारी टीम कहाँ पर है? जितने स्क्वाड्रन माफिया के बंदे थे उनको मार दिया या नहीं मारा? जल्दी बताओ कहाँ पर है सारे बंदे, क्योंकि उनको अगर तुमने नहीं मारा होगा तो ड्राइवर मारेगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ये सिर्फ शुरुआत है भाई। मैंने आपको लास्ट में बोल दिया था कि ड्राइवर सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनेगा, ये नहीं बोला था मैंने, बढ़िया बोला था सबसे बड़ा पत्ता बन जाएगा और स्क्वाड्रन माफिया को झुका डालेगा। ड्रग माफिया बनना मजबूरी है। अभी मत सोचिए ड्रग ड्रग्स का काम करेगा, कुछ टाइम के बाद में जब सब कुछ मेरे अंडर में आ जाएगा उसके बाद मैं सबको दिया कर दूंगा, मतलब कि सही बंदों को तोड़ूंगा एंड सारे ड्रग्स जला डालूंगा पूरे वर्ल्ड की इकट्ठा करके। अब आप देखिए कि ट्रेवर क्या करने वाला है। तो ठीक है ट्रेवर भैया, जल्दी से फटाफट से निकलिए बंदो। ठीक है इन्फॉर्मेशन भेजो मेरे को, बताओ जल्दी अपडेट सारा का सारा। मैंने फिलहाल बंदों से अपडेट ले लिया है। बंदे बोल रहे ट्रेवर सर हमारी एक आर्मी बहुत जोरों से एक जगह और फाइट कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े ड्रग लोड थे स्क्वाड्रन माफिया के, अलग अलग जगह से हम उठा के भी लेके आए हैं कुछ बंदों को। कुछ बंदों को हम लेकर के आए हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, लिबर्टी सिटी से, कुछ वाइस सिटी से, अलग अलग जगहों से और दुबई से, बहुत सारे जितने बंदे सबको पकड़ के यहाँ पे लेकर के आया जा रहा है। क्योंकि ड्राइवर क्यों बाहर जाए, ड्राइवर की पावर इतनी है हम दूसरे को यहाँ बुला सकते हैं। एंड फिलहाल रही बस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से आर्मी बेस अभी खाली है पूरा पूरा। यहाँ पर से मेरे ही बंदे थे आर्मी वाले, तो कोई बंदा नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सारे आर्मी के बंदे यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गए थे, उनको लेके जाया गया अलग जगह पर। अब यहाँ पर और आर्मी नहीं है, ये मेरे बंदे हैं सिर्फ, ये हैंडल कर लेंगे ज़ॉम्बीज़ को। ज़ॉम्बीज़ भी एक नया मैटर कर दिया यार इन बंदों ने, खैर कोई बात नहीं उनके ऊपर बाद में ध्यान देंगे, क्योंकि अभी आज हमको ड्रग माफिया बनना है, उसके बाद ज़ॉम्बीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे। बोला है डेविड को मैंने कुछ वैक्सीन वगैरह बना, देखते बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। पहुंच चुका हूं जगह पर, थोड़ी से मारूं या अपनी पावर से मार दूं? देखो अपनी पावर से मारूंगा तो मेरे बंदे ही मर जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता मेरे बंदे मर जाए, इसलिए बेटा मैंने कर जिंदाबाद, मैंने कर जिंदाबाद। ट्रैवल भैया फ्रॉड से मारो बंदों को। यहाँ पर कुछ बंदे हैं ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे, मैंने कहा कुछ पी आई पी बंदे अंदर की तरफ है, उनका नेता बनाऊंगा जाकर के। ट्रैवल भैया आगे निकलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, चलो 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 काम करो, आ जाओ आ जाओ। मेरी आर्मी किसी को मत छोड़ना, खत्म कर दो। देखो मैं मिक्स नहीं करना चाहता अपनी आर्मी, मेरी और भी बहुत सारी आर्मी है जो ब्लड प्रूफ सूट में रहती है, अलग कपड़ों में रहती है। मैंने आपको दिखाया था मैंने नई करी की आर्मी बनाई है माइकल की, मेरी लेस्टर की आपको याद होगा, जिसके की पीछे टी लिखा रहता है मेरी माफी के ना पीछे, वो अलग है। वो ड्रग्स वाले बंदे बनाए मैंने ताकि मेरे को पहचान रहे, अगर वो बंदे भी ड्रग्स का काम करेंगे सब मिक्स हो जाएंगे। वो वेपन्स पर गोल्ड का काम करते हैं, ये ब्लैक वाले गंदे ये करेंगे ड्रग्स का काम से, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन नहीं होगी, मेरे को पता रहेगा कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। बाकी बंदा गोल्ड का, डायमंड का, अपना पैसों का काम, कैश का वो करने दो, वो उनका अलग काम चल ही रहा है, उनको डिस्टर्ब में नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा इनसे हैंडल करने के लिए, इसको माफिया का करने के लिए नई टीम बनाते हैं, जिसमें सारे बंदे नए आउटफिट वाले होंगे एंड वो अलग से काम करेंगे, बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैंने पार्टीशन मतलब डिवाइड कर दिया हर बंदे को अलग अलग काम में, वो बेस्ट होता है भाई। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बाहर आ जाओ स्कॉर्पियन माफिया के सस्ते बंदो। ड्रग्स बना बेचोगे? ड्रग्स के माफिया बनोगे? तुम्हें बनाऊंगा मैं, गाँव में नमूना बाहर आ जाओ। मैंने फिलहाल बंदे को पकड़ लिया है, यहाँ पे खड़ा होता डर रहा था बेचारा, बांध दिया। दो बंदे पीछे से भाग गए, मैंने अपनी आर्मी को बोला है उनको पकड़ के लेकर आएंगे, बताओ ड्राइवर से भाग करके कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल ये बच गया, देखो मारूंगा नहीं, ड्रग लॉर्ड बनना है ना, तो जो बंदा टीम में आएगा वो उसको ले लेंगे, क्योंकि ये बंदे पहले से जानते हैं इस काम को, इनको एक्सपीरियंस है, यही बताएगा बाकी और बेस कहाँ पर है, बाकी और ड्रग्स कहाँ पर है और कैसे स्क्वाड्रन माफिया की सारी चीज़ें अपनी तरफ लाई जा सकती है, यही बताएगा। मान गया, बोल रहा है ड्राइवर सर आपके साथ काम करूंगा, मारिएगा मत प्लीज़। मानता हूँ दल बदल हुए, मेरी तरफ से भी किसी दिन भाग सकता है, बट मैं तब तक इससे काम निकाल लूंगा। ये बोल रहा है मेरे को दुनिया भर के बेस पता है स्क्वाड्रन माफिया के, मेरे को उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स पता है, कौन कहाँ से कैसे डील करता है, कौन कहाँ से सप्लाई उठाता है, कौन कैसे बेचता है, कितना माल आता है महीने में साल में, मेरे को सब पता है। ड्राइवर सर आपको एक महीने में अरबपति इतना पैसा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्क्वाड्रन माफिया बहुत ज़्यादा लेवल पर जाकर ड्रग्स का काम करती है। इतना मान लो पूरे वर्ल्ड में स्क्वाड्रन माफिया ही है जो सिर्फ सबसे बड़ा काम करती है, वो ड्रग्स का। मैंने बोला चिंता मत कर, आज की डेट में और आज के बाद दुनिया में अगर ड्रग्स माफिया के नाम पे नाम गिना जाएगा तो ड्राइवर का होगा। मानता हूँ अच्छी चीज़ में नाम नहीं गिना जाएगा, बट कभी कभी मजबूरी में भाई गलत काम भी करना पड़ता है, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कभी कभी बुराई में उतरना पड़ता है, और इसको माफिया को ख़त्म करने के लिए हमें ड्रग्स माफिया में उतरना पड़ेगा, तभी उसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे एंड दी एंड। और उनकी पावर नहीं छोड़ लेगा ड्राइवर, तब है ना पैसों में छकते हैं ना वो, कब तक बेचारी सूजन फार्मूला बेचेगी, क्योंकि फार्मूला एक दिन में बनता नहीं है, कितने पैसे कमा लेगी फार्मूला बेच के, क्योंकि जितना पैसा ड्रग्स से कमा सकती है इतना फार्मूले से नहीं कमा सकती, कमा भी ले तो एकदम नहीं कमा पाएगी, क्योंकि फार्मूला बनने में सालों साल लगते हैं। जब तक मैं उनको दिया कर दूंगा मेरे प्यारे भाई,
खुलने के लिए तैयार हो जा। बता मुझे बाकी चीजें कहाँ पर मिलेगी। पता बोल रहा है ड्राइवर सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी सारी चीजें मैसेज करता हूँ आपके आर्मी को बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है जल्दी बता दे, मेरी आर्मी जाकर के बैलेंस कर लेंगे, जहाँ पर भी चीजें बंद करोगे सब कुछ होगा। बाकी जो दो बंदे भागे थे वो भी आ जाएंगे। मैं एक और जगह पर निकलता हूँ, फोन आया मेरी आर्मी एक जगह पर और बंदे को तोड़ रही है। स्कोर मुनाफे के और कुछ बंदे मिले हैं, कुछ वीआईपी बंदे मिले हैं, कुछ और आर्मी मिली है। चलिए उनका भी नेता बनाते हैं मेरे भाइयों। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लग रहे हो आज ही का दिन है सिर्फ और आज ही, आज मैं नेता बना दूंगा पूरे स्कोर मुनाफे का। एक ही एपिसोड है पूरा ड्रग का, हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है, बंदे को महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, पर ट्रेवर एक ही एपिसोड का वो करके दिखाएगा और एक ही दिन में अब आएगा असली मजा, क्योंकि ट्रेवर की पावर बहुत है। मैंने फिर बोला जब ट्रेवर अपनी पर आता है तो सबको पापा बना देता है, मतलब सबको बच्चा बना के पापा बन जाता है और बजाता है उनमें डंडे कि पापा से बदतमीजी ठीक नहीं है। तो कहने की बात यही है, बहुत दिन से शांत था ट्रेवर, सुपर हीरो के बंदों के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि ट्रेवर को पावर चाहिए थी। बट जो भी था ट्रेवर ध्यान नहीं देता था, अब ध्यान दे रहा तो देख लो, खुद देख लो दो तीन एपिसोड में क्या कर दिया ट्रेवर ने, सबको गीला कर दिया, उछल रहे थे और बिना आर्मी के मारता ड्राइवर, वन मैन आर्मी, आर्मी लेकर चलता अकेले मार डालता है। और आज तो बिल्कुल ही जड़ खत्म हो जाएगी बंदों की, आज के बाद तो रोएंगे कि यार ड्राइवर से पंगा लेके हम तो भिखारी बन गए, रोटी खाने के पैसे नहीं छोड़े ड्राइवर ने, आज ऐसी हालत कर दूंगा उन बंदों की। और उसके बाद देखेगा फिर वो क्या करेंगे मेरे साथ में, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहुंच चुका हूं जगह पर, बिल्कुल सही टाइम पर आया हूं, मेरी आर्मी ने डंडा बजा रखा है, मारो 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 नमूनों को, मारो मारो छोड़ना मत बिल्कुल। इनका तो नेता मैं बना दूंगा, चल 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 निकल निकल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये कौन सा ही रहता भाई यहाँ पर, ट्रक से काम चल रहा है कुछ, बताओ मुझे बताओ बताओ। तो नेता बना दूंगा मैं, हद हो रही है, ट्रक माफिया बनेंगे ड्राइवर के होते हुए, ड्राइवर ड्राइवर बनेगा सब कुछ, ड्राइवर सब बनेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैं इसको बेचूंगा, मैं अपने कंट्रोल में करूंगा ना, बंदों को मानता हूँ, बाला वालों को लोस्ट वालों को मैंने झूठ बोल के अपनी टीम में लिया है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए उनका नेता बना दूंगा बाद में, फिर पहले अपना काम तो निकल जाए उसके बाद देखें क्या करना क्या नहीं करना। पर आज की ड्रेन तो बनेंगे, ऐसे में कोई घोटाला नहीं कर रहा बिल्कुल कि भाई मैं बनना नहीं आ रहा मैं फेक बनूंगा, नहीं, ड्राइवर सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनेगा। बट उसके बाद में ये नहीं कि हम इसको इलीगल तरीके से यूज़ करेंगे बंदों की लाइफ ख़राब करने में, ना, हम सबको दिया नहीं कर देंगे, सब कुछ जला डालेंगे। बट पहले इकट्ठा तो कर ले सारा माल और इस बिज़नेस को पूरा टेक ओवर कर ले, उसके बाद देख लेगा तो बाद की बात है, पहले माल आ तो जाए और बंदों को दी एंड कर तो दे, फिर देखते क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे भाइयों अब कौन बचा हुआ है, अरे मैं देख लूंगा उसको, तो नेता बना दूंगा। तू है, अबे तू है मच्छर, आएगा नहीं, अरे 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 सॉरी भाइयों, तभी तो इस पावर को यूज नहीं करता है, मेरी आर्मी को भी चोट लग जाती है बेचारी को। तो ठीक है चेक करता हूँ यहाँ पर कुछ था कुछ खास जो बंदों को मारा जा रहा था। हेलो भाइयों बोलो, यहाँ पर ड्रग्स थी, इस बीच के साइड में एक छोटा सा बोर्ड था जहाँ से हम लोग बंकर के अंदर आ सकते हैं, एंड यहाँ पर भी दुनिया भर की ड्रग्स है बड़े बड़े डब्बों में, किलो के हिसाब से डब्बे भाई, और आपको पता है एक किलो क्या रेट होता है, खैर नहीं पता होगा क्योंकि हम कोई ड्रग्स तो बेचते नहीं है, बट फिर भी मूवीज़ के हिसाब से लॉजिक लगा सकते हो कि करोड़ों में जाती है एक किलो ड्रग्स, कुल एक किलो, और ये कई किलो है, समझ रहे हो कितना माल मैंने इकट्ठा कराया। तो इससे समझ सकते हो आप कितने अमीर है स्कॉर्पियो माफिया। देखो जो बंदे वेपन्स की डील करते हैं या फिर छोटे मोटे गोल्ड की डील करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अमीर होते हैं ड्रग माफिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है, सोने से ज़्यादा महंगा बिकता है। तो ड्रग्स पता नहीं इतनी महंगी क्यों है भाई, सीधी सी बात है, लाख मतलब एक किलो सिर्फ एक पैकेट करोड़ों रुपए, तो अलग ही लेवल की चीज़ है। तो इसी से मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है सिंडिकेट और बाकी और जितनी माफिया आई गई है ना, उन सभी से ज़्यादा अमीर ये स्कॉर्पियन माफिया है, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा ड्रग्स का काम है दुनिया में, सबसे बड़ा ड्रग माफिया है आज की डेट में। यही तो मैंने पता किया इन चार दिन के अंदर, तो पूरी रिसर्च करी है मैंने और लेस्टर ने बैठ करके, तो यही हम लोगों को पता लगा है कि ये बहुत बड़े लेवल की ड्रग माफिया है। इनकी सारी ड्रग्स ना ट्रेवर ने खींच ली, तो नाम बदल देना ट्रेवर का, आज तो ट्रेवर बिलियन ट्रिलियन पता नहीं क्या उससे ऊपर सब पे चल जाएगा, इतना माल आएगा ट्रेवर के पास, बहुत पैसा है। ये ड्रग्स में तो पैसा ही है, थोड़ी कैश में पैसा होता है, ये भी तो माल ही है। गेम स्विच हो करके फूफा पे आ गया है ड्राइवर भैया, वहीं पर बंकर में लगे हुए हैं। तो ठीक है चलिए, इसके ऊपर स्विच आया है तो कुछ स्टोरी है हम लोगों को पता लगने वाली है, देखते हैं। देखो ट्राइवर अपना काम कर रहा है, करने दे दो। ये स्कॉर्पियन माफिया का एक बंदा है, दूर के डेजर्ट की तरफ पहुंचा है बंदा, दुनिया भर की ग्रेव्स यहां पर है। अब कहते जोसेफ नाम का एक बंदा, शायद जोसेफ ही नाम था उसका, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं है, मिलिट्री का बंदा था जो बहुत साल पहले मर चुका है, एंड उसकी बॉडी ढूंढ रहे हैं बंदे, आपको याद होगा आर्मी का बंदा जोसेफ ही था शायद उसका नाम। तो उस बंदे की बॉडी ढूंढ रहे हैं, आज तक मेरे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं चला था, वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी हम लोगों को फ्लैशबैक में। तो उसकी बॉडी लगता है अभी भी तो नहीं ढूंढ रहे सूजन वगैरह, क्योंकि ग्रेवयार्ड में घूमने का क्या मतलब है, कोई ग्रेवयार्ड में ड्रग्स तो छुपा के रखी इस बंदे ने। अब देखो ये बताएगा तो हमें पता लग जाएगा स्टोरी के बारे में, नहीं तो ऐसे तो पता नहीं कर सकते ना, एक्सपेक्टेड कर रहे क्योंकि। ठीक है, हेलो भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, देखते हैं भाई कहाँ जाएगा बंदा, क्या करेगा, कब तक इसके ऊपर स्विच रहेगा, कुछ पता लगेगा काम का नहीं पता लगेगा वो देख लेंगे। रही बात इस अभी ट्रेवर का दिल भी इनके पास में, अभी उस दिल का क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल भैया जी ने गाड़ी ले ली है एंड भैया जी निकल पड़े हैं। भैया जी कैचे, भैया जी अमेजिंग लग रही है भैया जी आपकी गाड़ी तो,
गरम गरम से लग रहा है, इंटीरियर काफ़ी सस्ती नहीं है, अच्छी गाड़ी है। तो ठीक है, चलिए वेट करते हैं कि कितने टाइम में ये कहाँ पहुँचने वाला है एंड कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ड्राइवर को मारेगा नहीं मारेगा। वैसे भी ड्राइवर ने इनका नेता बना करके रखा है, देखो मार भी सकता है नहीं मार सकता, क्या डर गया बंदा या फिर कुछ और प्लान बना रहे हो, वो कुछ नहीं पक्का कह सकते, बस वेट कर सकते हैं, वेट करें। इस बंदे ने होलोग्राम को यूज़ करके किससे बात करी है, सिर्फ आवाज़ आई है, कोई दिखाई नहीं दिया सामने से, अभी अभी बात हुई है इस बंदे की। मुझे लगा सूजन से बात करी, इसने कोई लड़की थी, इसने वही बोला कि अब बताइए क्या करना है, आज ड्राइवर बहुत और उल्टे काम कर रहा है, वो हमारे बिजनेस को टारगेट कर रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए, और ऊपर से हमारे दो भाई मारे गए हैं एंड बॉडी नहीं मिली जो आपने ढूंढने के लिए कहा था, उस ग्रेवयार्ड में भी वो बॉडी नहीं है, मैंने अपने पूरे बंदों से चेक करवा लिया, वो बॉडी नहीं मिली। मुझे लगता है जोसेफ की बॉडी के बारे में बात हुई है एंड जो सामने पार्टी थी ना जिसकी आवाज़ सुनी, देखा नहीं है क्योंकि होलोग्राम सिर्फ मतलब वैसा ही नॉर्मल था, उसमें फेस वेस नहीं था कुछ भी, तो इसलिए सिर्फ बात हुई है। वो मेरा आइडिया है सूजन हो सकती है, क्योंकि और किससे बात करेगा ये, इनके पास तो जाने वाली एक ही लड़की है सूजन, तो सूजन से ही बात कर रहा था। चलिए देखते क्या ये टारगेट करेंगे, क्या वो करेंगे, कोई आइडिया नहीं है, बट इतना कन्फर्म है जोसेफ की बॉडी थी शायद से, जो ये ढूंढ रहा है नहीं मिली, अपसेट भी है, कुछ नहीं कर पाएगा। सूजन ने कुछ नहीं बोला, बस उसने तो कुछ बोला ही नहीं, इसने सारी बात बोली, बात खत्म। ठीक है निकलो, मेरे चाचा जी अब कहाँ पर जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो भी देख लेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्कॉर्पियन माफिया के चाचा, मरेगा मेरे भाई, पतली गली से एयरपोर्ट पे जा, प्राइवेट प्लेन ले और देश छोड़ के भाग जा, जान बचानी है तो यही कर ले, क्योंकि नहीं तो मरेगा भाई, सीधी सी बात है, ड्राइवर नहीं छोड़ेगा। फिलहाल ड्राइवर के ऊपर स्विच हो चुका है, ये ड्राइवर मैंने बोला था ना हल्ला मचा कर रहेगा, ये सारे बंदे स्कॉर्पियन माफिया के बड़े बड़े हेड है, वो बंदे जो अलग अलग अपने अपनी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में ड्रग्स को संभालते हैं और इनके नीचे करते हैं हज़ारों बंदे काम। मैंने बोला चिंता मत करो, चुपचाप मुझसे मिलने आ जाओ लॉस सैंटोस में, इस मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ कैमरा हैक होकर रखे हैं, सैटेलाइट व्यू से भी कुछ नहीं पता लगेगा, और मैं भी स्कॉर्पियन माफिया को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हारी जान खतरे में नहीं जाएगी, मेरे पास आके मुझसे मिलो। बंदे ने बोला ठीक है आ रहे ड्राइवर सर, बट प्लीज़ कुछ उल्टे काम मत करना, हम सिर्फ बात करने आएंगे। बात करने पता क्यों आए, क्योंकि इनके दिल में खौफ आ चुका है, क्योंकि इनको पता है मैंने दो बंदे जिंदा जला दिए प्रेजेंट हाउस पर, स्कॉर्पियन माफिया के बॉस डर गए ना सब, और ऊपर से इनको ये पता है ड्राइवर आज ड्रग माफिया बन रहा है, सभी को मार रहा है और ड्रग्स कब्जे में ले रहा है, तो मजबूरी है मिलने आना पड़ा। बट पता है क्या शर्त पर आया कि प्लीज़ हमारे बारे में पता ना चले स्कॉर्पियन माफिया को, क्योंकि हम नहीं चाहते वो हमें मार दे। मैंने बोला बेटा नहीं आओगे तो मैं मार दूंगा, तो बेचारे दोनों तरफ से फंस गए, आएंगे तो वो मारेंगे, नहीं आए तो मैं मारूंगा। अरे मेरे भाई आवाज सुनो, जितना काम करना था ड्रग माफिया के लिए, सुन भाई सुन नमूने, बहुत समझा ली तूने बात, सुन मेरी बात सुनो मेरी नमूनों, दिमाग खोल कर, समझ में आया, दिमाग खोल लो, नहीं खुला तो कुछ लाओ और उससे खोल लो उसको, और बात सुनो आज से तुम मेरे गुलाम, समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो साइड में खड़े हो जाओ, उससे बाद में अकेले में बात करूंगा मैं, समझ में आएगा तो आगे सुनो, मेरे लिए ही ड्रग्स का काम करोगे पूरी दुनिया में, मेरे को ही प्रॉफिट आएगा और सारी ड्रग्स मेरे ही हैंगर्स और वेयर हाउस में जाएगी, जब तुम्हें ज़रूरत हो मंगवा लेना, समझ रहे हो, डील सब मेरी थ्रू होने वाली है आपसे, मैं तुम्हारा बॉस हूं ना कि स्कॉर्पियन माफिया, अभी से ज्वाइन करो और पेपर्स आ रहे हैं साइन करो, धोखा दिया तो मौत मिलेगी वो भी इंटरेस्ट के साथ, समझ में आया, कोई सवाल तो पूछ लो, नहीं है सवाल तो प्लेन से बैठो और निकलो, ड्रग्स आ जानी चाहिए, पैसा भी आ जाना चाहिए। बोल रहा है कि ड्राइवर ठीक है हम लोग तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेंगे, बट हमारे ऊपर नज़र रखने वाले बंदे स्कॉर्पियन माफिया के बहुत सारे हैं, और हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो नुकसान दे सकते हैं इस ड्रग वाले माफिया में, और हमारे कंपटीशन भी है ड्राइवर, तुम क्या सोच रहे हो स्कॉर्पियन माफिया अकेले इस फील्ड में, हमारे और भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो दिक्कत देते हैं हमें सालों से देते आए हैं, अगर तुम उनको मार दो तो और अच्छा हो जाएगा और हम 100% तुम्हारे साथ काम करेंगे ड्राइवर। मैंने बोला चिंता क्यों कर रहा है, मुझे नाम बता, कौन है कॉम्पिटिशन, उसके कॉम्पिटिशन को ही मिटा देगा ड्राइवर जा करके, चिंता मत कर बेटा तू ड्राइवर के सामने खड़ा हुआ है, मजे लो प्राइवेट प्लेन में बैठो और मुझे एड्रेस बताओ कौन दुश्मन है एंड कौन बंदे है जो तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं जिससे तुम परेशान हो, स्कॉर्पियन माफिया को छोड़ो और ट्रेन माफिया को ज्वाइन करो, निकलो यहाँ से बाकी मैं देख लूँगा। तो मीटिंग भाई सक्सेसफुल रही है, बंदे मान गए, बोल रहे बस ट्रेवर सर दो तीन काम आपको करने, उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आपके साथ काम करेंगे, जैसे कुछ बंदे जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं तो उनको खत्म कर दीजिए, और उसके अलावा ट्रेवर सर उनको हमारे जो कॉम्पिटिशन है हमारे मार्केट में जिसकी वजह से ड्रग्स बेचने में दिक्कत होती है, मैंने बोला सबका पता भेजो, मेरी आर्मी घर में घुस के घसीट के बंदे को मेरे पास लाएगी, चिंता मत करो, तो सब कुछ हो जाएगा। आज की डेट में ड्रग माफिया बनेगा, ड्राइवर बनेगा भाई, मैंने आपको बोल दिया, और इतना तगड़ा बनेगा कोई सोच नहीं सकता।
ड्राइवर ही निकलो। हेड का मैसेज आया अभी यहाँ पे बंदे का, उसने बोला एक हेड है जो मेजबुक बिल्डिंग में काम करता है ड्राइवर, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है और हम सभी के ऊपर नज़र भी रखता है। वो हमें एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है कि लॉस सेंटर में कहाँ कॉन्ट्रैक्ट भेजनी है, कैसे कैसे माल आना है, कैसे पैसा आना है। लॉस सेंटर से चीज़ों को वो संभालता है, मेजबुक बिल्डिंग में उसको ऑफिस है, जा करके उसको हैंडल कर लीजिए। मैंने बोला क्या काम मेज बैंक में जाना है, बाकी और एड्रेस आएगा मैंने बोला मेरी टीम को पहुँचाना, बाला वालों को, लॉस वालों को, बाकी चीज़ें वो संभालेंगे। कुछ बंदे को मैं मारूंगा, कुछ बंदे वो मारेंगे, हैंड इसी करके कर करके हम लोग सभी को ओवरटेक कर लेंगे। देखो भाई स्कोर माफिया के सब बंदे तो हमारी टीम में नहीं आने वाले, क्योंकि कुछ बंदे जिद्दी होते हैं, तो जिद्दी बंदों को हम लोग खत्म कर देंगे सीधा दी एंड। टाइम नहीं इतना, जो हमारी टीम में आते अच्छी बात है, जो नहीं आता भाई उसको धक्का लगो मारो, क्योंकि टाइम नहीं। मैंने फिर बोला इसी एपिसोड में सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनना है, नेक्स्ट एपिसोड का सबका छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे कुछ और एपिसोड और सब सीक्वेंस में आने वाले हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर एपिसोड में अलग चीज़ें होगी, इसमें यही काम फाइनल कर लेते हैं। मानता हूँ एक एपिसोड में करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें करने वाले हैं ड्राइवर, बट कोई बात नहीं ड्राइवर कर लेंगे, ड्राइवर की पावर बहुत ज़्यादा है। ड्राइवर ये पहुँच गए फाइनली मेजर बिल्डिंग पर, फटाफट से चले नीचे निकलिए, रेट बिल्कुल मत कीजिए, लेफ्ट बैठे चल फटाफट से अमेजिंग लेवल लैंडिंग बढ़िया हो चुकी है, शूज़ को ऑफ करो ड्राइवर मेरे लाल, चलिए चेक कर लीजिए नीचे आ जाइए, बहुत बढ़िया। ऑफिस में निकलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए, तो जो भी है पिटेगा मरेगा बड़ा बुरे वाला। पहुंच गया मैं, हेलो भाई, अरे बड़े कम गार्ड से, मैंने सोचा दुनिया भर के गार्ड सकता होगा बंदा, कैचे हो भाई, यो दो तीन गार्ड है, ओके दो बंदे तीन गार्ड से, दो बंदे वीआईपी है। हेलो बैठो, अबे हट जा नमूने मारूंगा। हाँ भैया बात सुन जरा, बात तो सुन ले यार, कैसे परेशान है, डर मत, प्यार से बात करना है मेरे को, बताया तू यहाँ पे मैनेजर है भाई एक तरीका, तू ड्रग संभालता है, अबे छुआरे तू पिज्जा ना संभाल पाए तो ड्रग संभालेगा लॉस सैंटोस की, 5 सेकंड देता हूँ मेरी टीम में आ जा और सब कुछ मेरे हवाले कर दे, चुपचाप रास्ते से हट जा और बोल तू मेरे साथ काम करेगा और इस माफिया के साथ कभी काम नहीं करेगा, उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनके सारा मुझे बताएगा तो तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा। 5 सेकंड तेरे पास शुरू होती है अब, हिल लेते भाई, 2-3 सेकंड तो हो गई होगी, 4 हो गई, 5 हो गई, 5 सेकंड पूरी, बोल भाई क्या फैसला किया, गाली देता भाई कमूनों के सरदार, इतना मारूंगा, तूने कभी सोचा नहीं होगा, ए बेटा तेरा नेता बना दूंगा, गाली दे रहा यार खुले में, अबे इसको माफ़ी तेरे पापा की है क्या, तेरे सगे हैं क्या वो बंदे, तो ठीक है चलिए। मैंने फिर बोला किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, सभी को साफ किया जाएगा, कंप्यूटर से डेटा हम लोग निकाल लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग उसे पंगा ले रहा था, मार दिया, आए बड़े हमसे बरने पंगा लेने वाले, ड्राइवर पापा है इनका और पापा से जो कोई पंगा लेता है मरता है, नमूने इतना मारूंगा तेरे को मैं, तो ठीक है चलिए। मैंने बंदे ख़त्म कर दिए, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से सब बंदे सो गए, ऑफिस में चल जाएगा वैसे चलेगा नहीं, तो ठीक है मामला सेट। ये वही बंदा था जो नज़र रखता था, हैंडल करता था चीज़ों को, इसको मार दिया, डेटा निकल जाएगा, देखते मेरी आर्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सर चीज में एटीट्यूड बहुत था यार इसमें, प्यार से बात करी थी मैंने, प्यार से नहीं करी बट इसने आपने सुनाई, इन्फॉर्मेशन आई मेजबुक बिल्डिंग से बाहर निकलते हमने बहुत सारे बंदे मारने शुरू कर दी ना, तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे कार्गो प्लेन से बंदे भेजे स्कोर वहाँ पे ने फिर टीम को मारने के लिए, दोस्त को बाला को, ताकि हमें कंट्रोल में किया जा सके। मेरा कद्दू मुझे कंट्रोल में करेंगे बंदे, इनके पापा मर गए मेरे को कंट्रोल करने के चक्कर में, इनके दादा मर गए मेरे को कंट्रोल करने के चक्कर में, अब इनके बच्चे मरे, जनरेशन से जनरेशन उड़ा देता ड्राइवर। सही बात है, दोस्त वालों को देख लो, बाला वालों को देख लो, पहले मैंने इनके दादाओं को मारता था, फिर इनके बाप बेटे को मारा, अब उनके बच्चों को मार रहा हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो इनके बच्चों को मारूंगा। पहुंच गए बीच की तरफ, अरे दो कार्गो प्लेन सारे हैं यार, दो कार्गो प्लेन में कितने बंदे आ जाएंगे, 300 बस, इतने से बंदे भेजेगा ड्राइवर को मारने के लिए, अरे यार तू है यार, तू मतलब लालच है तेरे को शर्म नहीं आती, इतने से बंदे, अरे करोड़ 2 करोड़ बंदे भेजता ड्राइवर भाई के लिए, अबे ड्राइवर भैया क्या हो रहा है ये, फट क्यों रहा है कार्गो प्लेन मेरे बेटे, अरे यार असर नहीं कर रहा इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, चेक कर भाई प्लेन में कुछ तो गड़बड़ यार, एक कार्गो प्लेन कुछ तो गड़बड़ है, तो कब तक मर गया बट फिर भी कार्गो प्लेन कुछ तो गड़बड़ भाई, मेरी पावर दे नहीं फटा, अमेजिंग ने ठीक है लड़ा, ओके इससे बैलेंस खराब हुआ थोड़ा सा और, बट फिर से थोड़ा सा और ड्राइवर फिर से मारो चले बेटा, ये फट नहीं रहा यार, ये ब्लड प्रूफ है लगता है, नहीं बोल रही मेरी पावर से इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ, ये बॉम्ब प्रूफ प्लेन है भाई, एलियन गन मारी तो तब भी नहीं फटा, बस बैलेंस बिगड़ा इसका, अब जाके खत्म हुआ, ये बहुत खतरनाक प्लेन है, मतलब कह सकते हो कि इसको जल्दी से मेरी पावर को कई बार यूज़ करना पड़ेगा तब ये फटेगी, क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा बनाना पड़ेगा, बार बार मार के जब इसको इम्पैक्ट पड़ता चलाएगा तो मर जाएगा, तो ठीक है चलिए फाइनली हम लोगों ने इनको ख़त्म करके कार्गो प्लेन को, आगे देखते क्या अपडेट आया है, क्योंकि रुकना नहीं है इस एपिसोड में, ड्राइवर इतना मारेगा बंदों को कि मतलब रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है बिल्कुल। एक जगह पर लॉस वाले बंदों का फोन आया, मुझे बोल रहे फोन करके ड्राइवर भैया तुरंत आ जाओ, और हो रही है बहुत तकड़ी वॉर चल रही है, मैंने बोला आ रहा हूँ बड़ा, तू टेंशन ले रहा है, तो मैंने आर्मी की हेल्प भी ले ली थोड़ी सी, मैंने माइकल को बोला माइकल तेरे जितने बंदे ज़ॉम्बी नहीं बने उनको भेज दे यार, मानता हूँ शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल के रखा है, बंदे ज़ॉम्बी बन गए,
35% ज़ॉम्बी का रेशियो बढ़ चुका है, कितनी परसेंटेज जा चुकी है। लास्ट टाइम 15% थी, उसके बाद 20% बढ़ चुकी है, पता नहीं कितनी बढ़ेगी। 35% पे हो चुकी है, मैंने बात कर ली थी, तो वही मैंने बताया नहीं शायद से आपको, बट इतना पहुँच गया भाई। अब पता नहीं क्या होगा लोग उसका, देखते हो देखे जाएंगे। तो भैया जी आगे निकलो आगे निकलो। अरे किधर निकल गए जगह? अरे यार हद हो गई। ओके इस तरफ है हो रहा, हाँ हो रही। तो ठीक है वहाँ पर पहुँचता हूँ, चेक करता हूँ कितनी मोर की ट्रेड है, कौन कौन मेरा कौन कौन बचा पता जाएगा। पहुँच चुका जगह पर, बहुत सारे बंदे जैसे कि आप देख रहे हो, आते मेरे पर गोली चलाई, फिर लॉस के बंदे जो है मारे गए भाई, 15 बंदे थे, सारे सारे मर गए बेचारे। कोई बात नहीं, थोड़ा आने में लेट हो गया, बट मैं इनको थोड़ा इतना मारूंगा इतना मारूंगा, मेरे बंदे को मार दूँगा, मैंने मेरे 15 बंदे मार दूँ तुम लोगों ने, कोई बात नहीं। इन 15 के चक्कर हो गए, मैं तुम्हें नेता बना दूँ ना कि मारूंगा, ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा तुम्हारे भाई, कहते हैं ना खानदान तक भी पैदा होने से पहले डर जाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा खानदान, डर जाएगा तुम लोगों को पहले से ही। हाँ जी बेटा आ जा, आ रहा हूँ बेटा आगे निकल जल्दी। चलो ठीक है, बातें खत्म कर दी मैंने, जिंदा नहीं छोड़ेगा, ड्राइवर नाम है इसका, मैंने बोला था आपको। चलो ठीक है, चलिए आगे निकले ड्राइवर भैया, जरा देखिए और कोई मच्छर बचा होगा। ओके सारे मच्छर मैंने खत्म कर दिए, हिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ड्राइवर के पास ऑलरेडी तगड़ी वाली हिट है। तो ठीक है बंदे दी एंड हो चुके हैं एंड बहुत बढ़िया, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी और आई थी, कुछ बंदे बाइक से भाग रहे हैं, बैठे पापा से पंगा लेगा, पापा उड़ के टक्कर मारते हैं, पता है ना तेरे को, पता है ना तेरे को। चल ट्रे भैया इसको रख पाएगी, आ जा बेटा, आ जा बेटा, कैसी लगी? ये ले बेटा चल 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 निकला दम। अबे अब निकलेगा तो ये ले बेटे। तो ठीक है बंदे खत्म, तो फाइनली और बंदे भाग रहे थे बाइक पर मेरे आने से पहले, ऐसा मेरे को पता लगा था, इससे पहले भाग जाए निकलता हूँ यहाँ से। ट्रे भैया चेक कर आस पास में बंदे होंगे, फाइनली मैं वहाँ से आ गया था, बाइक वाले बंदे मिले नहीं, नमूने भाग गए, मैंने फिर चेक करवाया तो पता नहीं कौन सी गली में घुस गए, कोई बात नहीं। तो मेरे पास फिलहाल एक फ़ोन आ रहा थोड़ी देर पहले, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो मतलब कि पॉइंट ये है कि बंदे ने फ़ोन किया, बोला भाई साहब तू हमारे इंद्र बंदों को मार रहा है, ड्राइवर आगे डिस्कस कर लेते हैं, तुमने बहुत नुकसान कर दिया, आज जल्दी नहीं तो बहुत मारेंगे हम लोग। मैंने बोला ठीक है भाई मार रहा हूँ, पिटने के लिए पता कहाँ पर आऊँ। तो बंदे ने बोला दूर की तरफ आ जा, वहाँ पर तुझसे मिलना है, तुमने बहुत नुकसान कर दिया हमारा आज, और इसको इतने गुस्सा है ड्राइवर तुम्हें ख़त्म कर देगी, इसलिए हम नहीं चाहते तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया जाए, तुमसे पहले मिलना चाहते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कर लो, अभी बकवाए उसके बाद नहीं मिलेगा। मैंने बोला ठीक है मारो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ बहुत पसंद है, ड्राइवर ये निकलो कर लेते कॉम्प्रोमाइज़ ना, ठीक है यार क्या गलत है यार, वायलेंस नहीं करना चाहिए, गंदे इंसान होते हैं वायलेंस करता है, ये गलत चीज़ है भाई, ना ना यार पाप मिलेगा। तो ठीक है चलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं, बहुत बढ़िया। लॉस सैंटोस डूब के मर जा, अरे इनविजिबल दीवारें कौन बनाता है यहाँ पर, ड्राइवर भैया चोट लग जाती है बार। मेरे भाई के पास मैं आ चुका हूँ, अरे मेरे प्यारे भाई, अरे कैसे भाई, यार यार देखो भाई, भाई माफ़ कर दो यार, कॉम्प्रोमाइज करने आयो भाई, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने इतने पाप किए कि पाप का भी डर लग गया होगा अब तो। बोल भाई तू बोल, जैसे कॉम्प्रोमाइज करना मैं करूँगा। मेरे भाई से बात हो गई है, मेरा भाई मुझे बोल रहा है ड्राइवर गाड़ी में बैठे तो मैं इस करोड़ माफी के बॉस के पास लेके चल रहा हूँ, उनके पैर छो और माफ़ी मांग लो, और उसके बाद जितने ड्रग्स तुमने कब्जाई है और हमारे बंदों को अपने तरफ किया है उनको सभी को छोड़ दो और सब कुछ सही हो जाएगा। ड्राइवर तू माफी मिल जाएगी ड्राइवर, मैंने बोला थैंक यू यार, तुम जैसे लोग कभी कभी मिलते हैं यार, अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो सकता है, धरती बहुत बुरी है, कभी ऊपर से हो सकता है नीचे से हो सकता है, वैसे बहुत बार ऊपर से हो सकता है, अबे ऊपर तो देख ले, ऊपर देख लेगा तेरी जान बच जाएगी, ऊपर देख ले तो जान बच जाती, मैंने बोला था ऊपर तो देख ले, बहुत बार ऊपर से मिसाइल गिर जाती है कभी कभी कॉम्प्रोमाइज के लिए, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, देखा ऐसे कहते कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका, ये छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज क्या करो, मिसाइल लेके जाएगा अपने साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज सिखाएगा, आया बड़ा 2 रुपए का गुंडा, मैं ड्रग लॉर्ड हूँ, लॉर्ड का लॉर्ड बना दिया, अब ये अबे रिमोट फेंक के मारूंगा ही मर जाएगा तू। तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, फाइनली मैंने इसको शांति पहुंचा दी है, दुनिया में रह करके परेशानी था बेचारा, ऊपर जा आराम से मजे ले। तो ठीक है ये बंदे भी खत्म, अब मरेगा इस कॉरोना पे लेकर के जो कोई आएगा, आज के बाद फिर कोई नहीं आएगा, ड्राइवर है इसका नाम है ऐसे थोड़ी है, अगर आएगा भी तो कोई बात नहीं, 2-4 ही तो बचेंगे, ज़्यादा को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इतने मारूंगा, वो कहते हैं ना नेता बना देंगे पीट पीट के, अरे गाड़ी का तो नेता ही बन गया भाई सच्ची में। तो ठीक है वेट करते थोड़ा और देखते हैं अब क्या होगा, लगता है किसी बंदे को ज़्यादा ही परेशानी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही टुकड़ों में टूट गया, कुछ तो गड़बड़े थे यार, मैं ऐसे जाने वाला था, मेरे ऊपर कोई जादू कर रहा है लगता है, मेरे को टेलीपोर्ट करवाने वाला है कोई बंदा, करवाने तो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए टेलीपोर्ट हुए यार सच्ची में, आज हम एक्सपीरियंस करेंगे टेलीपोर्ट होकर दोबारा बड़े दिन बाद। तरे बर भैया जल्दी से वेट करो, अरे भेजो भाई कौन है उंगल उल्टी खराब कर रहा है, इसकोलन माफी में इतना दम है, मैंने वैसे बोला था आपको कि इसकोलन माफी धीरे धीरे पावरफुल होने वाली है, एंड वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि पैडस को जिंदा खा जाएगी। टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से अलग जगह पर आ गया हूँ, और ये जगह भी अलग नहीं है, यहाँ पर ब्लास्ट पड़ा हूँ मैं, ये क्या चल रहा है यार, ऐसे लग रहा है मैंने यहीं पर बंदों को मिसाइल गिरवाई है, एंड यहीं पर ही अलग चीज़ हो गई एकदम से, वाइट बिल्कुल मेरे सामने टेलीपोर्ट होकर के जो भी है, एंड सामने जेड चाचा खड़ा हुआ है, हेलो बेटा, ओ जेड बेटे, हेलो हेलो सच्ची जेड खड़ा हुआ है,
हेलो, ये क्या चल रहा है यार? जीते जी सपने देख रहा हूँ मैं, जेड मैं ट्राइबर ट्राइबर नाम का वही 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 मंगल। अरे याद होगा तेरे को, मैं करता हूँ सुबह शाम दंगल। यार पहचाना मुझे? तेरी मौत हूँ मैं, पहचान ले और देख ले। ये कब से बोला? ये भी बोला? अरे भाई साहब ना, ये जेड नहीं है, जेड बोलता ही नहीं है। अब वो क्यों नहीं बोलता वो अलग बात है। भाई कौन है भाई तू, क्या कर रहा है यहाँ पर? ये जादू तूने मेरे ऊपर किया? नहीं, अरे भाई साहब गायब हो गया नमूना। देखो जेड तो नहीं है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि जेड बोल ही नहीं सकता। शायद अगर बोल सकता तो बोलता नहीं है, बात इतनी है बस। तो ये तो नहीं था, बट जेड कैसे आ सकता है यार? क्या होलोग्राम था, क्या था, या फिर कोई फेक क्लोन बना दिया किसी ने जेड का? अरे क्या यार, स्कोर मुनाफे के छोटे काम कर रही है यार। ये डगन जैसे काम कर रहे हैं। डगन ने एक बार वो बनाया था मास्टर जेड, उसको हीरन बना दिया था रोजा ने आकर के। ये नमूने भी स्कोर माफिया की तरह वही छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मतलब उस माफिया जैसे डगन ने किया था। स्कोर माफिया कुछ बड़ा करो बड़ा। अबे नकली जेड से मरवाओगे ड्राइवर को, खा जाएगा ड्राइवर इसको, कमाल है। चलिए देखते भाई कब तक यहाँ फंसा रहूँगा मैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे निकलेंगे तो टाइम लगेगा, वो देख लेंगे। बाकी नहीं बात, काम रुकना नहीं चाहिए। ड्रग माफिया बनना है तो बनना है, चाहे किसी को ही मारना पड़े, कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में ड्राइवर कुछ भी करेगा। लॉस सेंटर में फिर से फोग आ गई, अभी तक बिल्कुल शांति भाई। अभी देखा सुबह वेदर बिल्कुल ठीक था, पड़ती है और फिर से फोग हो गई है। फोग को छोड़ो, अलीना का फुनाए बोल रही है माइकल मरने वाला है, जेड उसको मार देगा। मैंने बोला ऐसे कैसे यार, अभी यहीं पर था बंदा गायब हो, कहीं और पहुंच गया। यार ये होलोग्राम तो नहीं यार, इतनी फास्ट माइकल घर पर। कुछ तो है, ड्राइवर पता लगा लेगा, कुछ तो है। स्कॉलर माफिया जो भी करना चाह रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस बिच्छू राजा का राजा मैं हूँ और इस बिच्छू को मैं कुचल डालू। ड्राइवर से पंगा लिया इन लोगों ने, ड्राइवर को कमज़ोर किया, ड्राइवर को दिल देने के लिए मजबूर किया इन लोगों ने। सिर्फ भूलना मत, ड्राइवर नहीं भूल सकते चीज़ें। आप ऐसे सोचो कि ड्राइवर ऐसे घूमता रहता है और बदला भूल गया, ना 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 ना, ड्राइवर बदला नहीं भूला। अगर इसके एनिमेशन में आप देखोगे तो ड्राइवर का मुंह हमेशा गुस्से में रहता है बहुत दिन से, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ बहुत सारा, जब से इसके अंदर से दिल निकला है। एक तो वैसे गुस्सा बढ़ गया नया डेवल टीम के वैसे, और ऊपर से तो गुस्सा है कि मैं इतना वीक कैसे हो सका हो गया, मेरे को दिल ही डोनेट करना पड़ गया अपना जिंदा रहने के लिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हो ड्राइवर के साथ में। जेड देख भाई ऐसा मत कर, देख भाई जो तू कोई भी है मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, बट ऐसा मत कर। माइकल चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। देख भाई उसको जो तूने आसमान में चढ़ा करके रखा है उतार दे, वो मेरा दोस्त है, मैं सच बता रहा हूँ, नेता बना दूंगा। तू कौन है मैं नहीं जानता, किसने भेजा है मैं नहीं जानता, बट ये चीज तेरे को जानती है। देख बेटा मैंने जेड को भी मारा नहीं आज तक, चाहे तो नकली क्यों ना हो, मैं तेरे को मारना भी नहीं चाहता। प्लीज औकात में आ जा, जो कोई भी तू है मुझे बता दे, प्लीज बता दे बेटा, बता दे किसने भेजा है तुझे, तू कोई क्लोन है, होलोग्राम है, फेक बॉडी है, क्या चीज है, तू बता दे मुझे। माइकल उतर गया छत पे से, मतलब जो उड़ के रखा था वो गायब हो गया। उसने बस बोला तेरी मौत हूँ मैं, ये बोला, कुछ नहीं बताया कि बॉडी है फ्लोन, मतलब क्लोन है क्या है। अलीना लगी उसके पीछे, अलीना उसको जड़ से मिटवा देगी, चिंता की बात नहीं है। माइकल तो चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं जब तक तेरे साथ में कुछ नहीं होने वाला, तेरे दोस्त को मतलब कि तुझे मैं सब संभाल लूंगा। चिंता मत कर चिंता मत कर, ड्राइवर जिंदाबाद, ड्राइवर जिंदाबाद। तो ड्राइवर मेरे प्यार लाल फटाफट से निकलो यहाँ से, जिम्मी की साइकिल चोरी कर ली मैंने। तो भैया पॉइंट कहने की ये बात है जो मैं आपको बोल रहा था, इस जेड का कुछ ढूंढ लेंगे हम, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये किसने भेजा है सब जल्दी पता लग जाएगा। उसके अलावा भाई अभी फ़ोन आया मेरे पास, मेरे को शिप पर निकलना पड़ेगा फटाफट से, क्योंकि शिप पर बहुत सारे बंदे मिले जो ड्रग्स लेकर के आते जाते रहते हैं। बहुत बड़ा ड्रग्स का छापा मारा है भाई अब की बार, तो ड्राइवर बन गया ड्रग लोड इतना ज़्यादा है। बोल रहे ड्राइवर से टनों में माल है, कंटेनर भर भर के, कम से कम 50-60 कंटेनर जो पूरा ड्रग्स से भर के हुए हैं। एक कंटेनर में कई सौ किलो वेट आता है, बन गया भैया खरबों का माल है, खरबों का गिनती नहीं कर सकते आप पैसों को, इतना माल है। इससे पता चलता है स्कोर माफिया कितनी अमीर है यार, ये तो बहुत अमीर माफिया है। सूजन ने इनका तो घर भर के रखा हुआ है, ये सारा माल सूजन ने कमा के रखा है। कैसे? पहले उसने शुरुआत कहाँ से करी, एक्सपेंट बनाए, फॉर्मूला बेचे और कुछ पैसे आए। उसके बाद में 11 भाइयों ने मिलकर के काम को आगे बढ़ाया, कैसे? ड्रग्स बेच करके, और बेचते बेचते 40-50 सालों में इतने ऊंचे बन गए। जितने भी सालों से हुआ होगा देखो एग्जैक्ट नंबर को पता नहीं है, बट फिर भी इन्होंने ड्रग्स से बहुत पैसा बनाया। सूजन ने हेल्प करी एक्सपेरेंट से और ड्रग्स ने बना दिया इनको खरबपति भाई, बहुत अमीर है। और ये सारा पैसा मेरा होगा, कब तक नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई मिलेगा। पहुंच चुके हो जगह पर, बहुत सारे बंदे कंटेनर की तरफ आ रहे भी आई है मेरी हेल्प करने के लिए। आने वाले मेरे प्यारे भाई खत्म कर दो फटाफट से, बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए कोई। जल्दी 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 ड्राइवर लाल जल्दी, ये बड़ा, अरे रे रे, बड़ी गंदी एंट्री है भाई साहब, बेइज्जती हो गई है। अरे भैया ये क्या देख लिया,
भैया जरा ऊपर निकलिए सच्ची में यार, उसमें कंटेनर में टक्कर लग गई, एंट्री खराब हो गई है, नहीं तो एंट्री लगती सीधा उड़ करके सुपरमैन वाली है ना बेटे, अब आएगा ट्रेन होगा, एक बार गलत हो सकती है तो दोबारा नहीं होगी, चल निकल नमूनों के सरदारों आए बड़े नेता बना देगा ट्रेवर भाई, इसका नाम करता है ये उल्टे काम है भैया, मरेगा, पैसा भी मिल गया भाई ड्रग से साथ साथ पैसा भी मिल गया, हेल्प करने आए तो हेल्प कर देते, यहाँ क्या तमाशा देखने आए हो, खैर इसको भरोसा ट्रेवर सब संभाल लेगा, तो ठीक है कंटेनर्स में से माल निकाल के दिखाओ मुझे, देखना है कौन सी क्वालिटी का माल है इनके कंटेनर्स में, एक ऐसे कौन सी ड्रग्स के चक्कर में बंदे मार दिए हम लोगों ने, चेक तो जरूर करूंगा मैं, चेक कर ली भाई, ये तो सबका ताऊ निकला ड्रग्स, मतलब कि ड्रग्स में क्वालिटी होती है, थर्ड क्वालिटी सेकंड क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी हर चीज में होती है क्वालिटी, तो आप कुछ भी ले लो, फल ले लो, खाना ले लो, मतलब क्वालिटी होती है, फ्रूट्स में भी होती है सच्ची भाई, एक दो नंबर का फल आता है, एक एक नंबर का फल आता है जो कि शायद से आम पब्लिक नहीं खाती, एक नंबर का फ्रूट्स जल्दी से मार्केट में अवेलेबल होता ही नहीं है, उसका रेट ज़्यादा अलग होता है, तो कहने की बात ये है कि भैया ये एक नंबर की ड्रग्स है, अगर मान लो कोई सिंपल ड्रग्स एग्जांपल दूंगा कोई 1000 की मिल रही है, मिलती नहीं है 1000 की, बट एग्जांपल 1000 की मिल रही है, तो यहीं पर ही 4000 की मिलेगी, 3-4 गुना पैसा ज़्यादा भाई, जो चीज़ 1000 की है वो 4000 में मिल रही है, तो समझ रहे हो कितना फ़र्क है, तो ये तो इतना महंगा माल है बोल रहा है ड्राइवर सर, ये इतना माल है शिप पे इतना महंगा कि अगर एग्जांपल के तौर पर आप सुबह शाम 100 मिलियन जलाओगे ना तब भी आपके एक साल में पैसे ख़त्म होंगे, इतना पैसा मिलेगा आपको, मैंने बोला क्यों मेरे को लालच दे रहा है, मैं सच्चे ट्रक माफे बन जाऊंगा नहीं तो ठीक है चलिए, अरे ट्रेवर बेटे चलते चलते नशे हो रहे हैं तुझे, ये क्या हो रहा है, अरे भैया ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में, वो गाना याद आ गया मेरे को, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, खैर जो भी है सब कुछ हमारे कंट्रोल में, ड्रग्स मेरे हाथ में, सारी ड्रग्स मेरे आर्मी के पास में जाएगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा आर्मी वाले बंदों को, एंड अब देखते हैं और क्या करना बाकी है, स्कॉर्पियन माफिया की कमर तोड़ने के लिए और भी बहुत सारे बंदे अभी भी है जिनको अलग अलग जगह से पकड़ के लाने में लगे हुए, लॉस्ट वाले बाले वाले बंदे अलग अलग कंट्रीज में घुस गए सारे बंदे, क्योंकि लॉस एंजेलिस तरह को हमने टेक ओवर कर लिया, अलग कंट्री भी करनी है और उसके बाद हम हेड बन जाएंगे न्यूज़ पे वायरल करके इस बात को, क्योंकि फिर मैं इंटरव्यू दूंगा सभी को प्रेजेंट हाउस पे आकर के, भैया अब से मैं हूँ नया ड्रग माफिया, किसी को ड्रग लेनी है तो मुझसे लो, नहीं लोगे तो मरोगे, क्योंकि स्कॉर्पियन माफिया अब नहीं है, उसको मैंने खत्म कर दिया, मैं हूँ अब से नया बॉस, बाद में अनाउंस कर देंगे ऑफिशियल, फोन आया है अमेजिंग, एक गोलमाल मूवी का याद आ गया डायलॉग, आई लव दिस बुड्ढा बोलता है वो, जब लास्ट में प्रेस राहुल भाई जी को जब हीरे लेने जाता है वो लास्ट का सीन, वो बबली भाई आकर डायलॉग मारता है, अगर आपने गोलमाल पहली मूवी देखी आपको याद होगा डायलॉग, तो पूर्ण है मेरे को ये याद आ गया डायलॉग इसलिए क्योंकि मेरे को बोलना है आई लव लॉस्ट कुछ गद्दार है उसमें से भी जो मेरे साथ होकर के भी इस कोरोना माफिया की चटनी खा रहे हैं, उनकी चटनी ना हजम कर दी मैंने, तो मेरा नाम ड्राइवर नहीं है, मेरे साथ मिल गए थे, बट कुछ बंदे होते हैं ना भाई हर जगह होते हो, तो आप कितनों को टीम मिले ले, बट दो चार तो गद्दार मिल ही जाएंगे, पहुंच गया गद्दारों के पास, अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको नहीं पता है गद्दार है, मतलब कि इनको ऐसा लगता है मुझे नहीं पता है गद्दार है, सोच रहे कि ड्राइवर भाई को क्या पता लगेगा, ड्राइवर भाई बेवकूफ है पागल है, इनको क्या पता है, इनके पापा तक को मैंने बेवकूफ बना करके रखा है, इनके दादा को बेवकूफ बनाया था, फिर ये है ही कौन से खेत की मूली, या उसी खेत की मूली था जिनको बेवकूफ मैंने बना के रखा है, तो बेटा तुम भी तो बेवकूफ पैदा हुए होंगे ना, तुम कौन सा अलग पैदा हो गए होगे, चलिए फिर भी जो भी है मजे लेते हैं, अरे लॉस्ट वाले भाइयों, अरे यार मैंने सुना है एक अभी कंटेनर पकड़ा गया था कुछ टाइम पहले एंड वो छूट गया, तुमने बोला अटैक हो गया था रास्ते में और आर्मी आगे उसको छुड़ा के ले गई दूसरी स्कॉर्पियन माफिया, ऐसे कैसे यार चा काम चलेगा, हमने एक जगह छापा मारा था बहुत सारी ड्रग्स मिली थी रास्ते में, बोल रहे ड्रग्स चोरी हो गई, बताओ भाई चिड़िया उड़ा के ले गई है, भैया चिड़िया आई होगी पंख लेके भाग गई होगी, मैंने खोलने के नाम से मैंने खोलने की शुरुआत कर दी, बोल रहा है भैया मारो ड्राइवर को पता लग गया, यही बोलक से बेटा बेटा लो ये क्या कर दिया तुमने, मेरे से वफादारी नहीं करी तुम लोगों ने, मैंने कहा था मेरे गुलाम बन जाओ, मेरे हाथ पैर दबाओ, मेरी मसाज करो तेल लगा करके, बट तुम लोगों ने क्या किया, तेल की जगह तुम लोगों ने ग्रीस लगा दिया, मैं तुम्हें नेता बना दूंगा, ड्राइवर इधर आ जाएगा आगे निकल, ऊपर तक मार दिया भैया, इतनी अच्छी पावर है, आ रहा हो बेटा आ रहा हूँ, बीड़ी मार रहा है फोन पे मार रहा है बोली, ये बेटा चल चल तुम्हारे टकलों में छेद करके नारियल पानी पी लेगा ड्राइवर, इस हद तक पागल हो चुका है डेट में, एडमेंटम कस रहे भाई ये, अगर इस एपिसोड को पूरा सिनेमैटिक में बनाया जाए तो ट्रेलर गुस्सा अलग लेवल का देखोगे, क्योंकि देखो अब तो हम बात कर रहे हैं ट्रेलर का फेस नहीं देख पा रहे, बट सिनेमैटिक में इस एपिसोड को बनाओगे तो सिर्फ वो है गुस्सा ही गुस्सा, जो मरेगा वो मरेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन जब आते हैं ना प्लेयर के फेस पे तो ज़्यादा मजा आता है देखने में, और भी किसी मूवी को आप देख लो जब तक आपको फेस का एक्सप्रेशन सही नहीं करेगा सूट के हिसाब से तो आप सोचोगे क्या कर रहा है बंदा, मजे नहीं आ रहा एक्टिंग में, इमोशनल पे इमोशन अच्छा लगेगा, एक्शन पे गुस्सा अच्छा लगेगा, एटीट्यूड अच्छा लगेगा, तो वही चीज़ गेम प्ले में देखना इम्पॉसिबल है, सिर्फ सिनेमैटिक्स में दिखी जा सकती है और वो भी एनिमेशन के साथ में, तो मैं ये बात बता रहा हूँ अगर ये एनिमेशन में होता ना एपिसोड हो भाई साहब मजे आया था, मूवी से कम नहीं लगता ये, तो ट्रेवर भैया आगे निकलिए, तो ठीक है चलिए सारे के सारे बंदे खत्म, क्योंकि एक ही दिन में ड्रग माफिया बनना है बहुत बड़ी चीज़ होती है, देखते बन जाएगा ट्रेवर बन जाएगा भरोसा है मेरे को, तो ठीक है सारे बंदे सुना डाले, इसको कहते हैं अमेजिंग डायलॉग जवानी बिल्कुल भी,
निकलते हैं यहाँ से। मिल गई इन्फॉर्मेशन, अलीना से कोई नहीं बच सकता। अलीना से बचेगा तू, अलीना तुम्हारे तो अंदर रह के तुम्हें ही बेवकूफ बनाती है बेटा। तो अलीना ने बोला, ड्राइवर सर, जिसको आपने एयरपोर्ट में मिसाइल डाल के मारा था, ये उसका भाई है जो नकली होलोग्राम बना के आपको बेवकूफ बना रहा है मास्टर जेड का। तो वो आपके बारे में सब जानते हैं स्कॉलन माफिया, वो आपकी वीकनेस जानती है, वो सोच रहे हैं कि आपको बेवकूफ बनाएंगे जेड को यूज़ करके ताकि आप डर जाओ, ये हो जाए। फिर अली ने बोला, ड्राइवर सर आप चाहिए उसको मार दीजिए। वो भी एक स्कॉलन माफिया कहीं बोल से अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है आपसे। जैसे उस आपने उसके भाई को मारा वो पागल हो गया एकदम, उसने फिर अपनी पावर्स को यूज़ किया, जैसे भी उसके कुछ दो चार पावर है उसको यूज़ करके वो आपको मार रहा है। मैंने बोला, कोई दिक्कत नहीं मोना डार्लिंग, सब कुछ ड्राइवर संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़िए ड्राइवर भैया। मैं बारात में आया हूँ, मुझे दाल मखनी खिला दो। अबे ऐसे खड़े हो बे, कौन सी दावत में आए हो तुम लोग मेरे पास में, नमूनों के सरदारों? तुम्हें मारने आया हूँ मैं, तुमसे मिलने मिलने नहीं आया मैं। अबे तुम्हारा दुश्मन हूँ मैं, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। खानदान मिटा देगा ड्राइवर तुम लोगों का, और तुम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हो। बुला के लाओ अपने बॉस को, उस मच्छर को, उसके सारे पैर तोड़ दूंगा मैं आज। हेलो बेटे, मच्छर कितने पैर होते हैं वैसे? कभी ध्यान से देखा नहीं भैया, एक तो बार छोटी सी वीडियो देखी थी मैंने, मच्छर खून चूसता कैसे है, बट ध्यान नहीं है मेरे को पैर कितने होते हैं। तो मच्छर बड़े खतरनाक तरीके से खून चूसता है भाई, एनिमेशन देखना कभी आप, वीडियो देख ला यूट्यूब पे शायद होगी। पहले तो क्या काम करता है वो, बड़ी सुई सी होती है बड़ी लंबी, उसको जबर से घुसाता छेद करके कैंची की तरह, बड़ा अमेजिंग है मच्छर होता जरा सा, पर भाई साहब वो बॉडी में घुसाने के लिए बड़ा टाइम लगता है मच्छर को, अपनी चोंच वो जो भी है, अमेजिंग लेवल। भाई मैंने तेरे भाई को मार दिया, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, अरे मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे फांसी पर लटका दो, अरे मुझे जल से कुएं में धक्का दे दो, मुझे मार दे भाई, मैं पापी हूँ, मैं पापियों का राजा हूँ, अरे मैं कॉम्प्रोमाइज कर ले आया हूँ भाई। भाई कुछ बता दे मुझे, कोई आखिरी इच्छा तेरी, मैं फिर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। अरे बोल बे मच्छर, मुंह खोल, घंटा हो गया। मेरा नोता भाई था, मुझे उसको मार दिया, तेरे उस जड़ को मैं चाह रहा था तेरे को पागल बनाने के लिए, बट मेरा वो प्लान भी फेल हो गया। जब तक जिंदा रहूंगा बस तुझे मारूंगा मैं, तूने स्कूल और माफिया का बड़ा नुकसान कर दिया, तूने सारी ड्रग्स लगभग कब्जा ली है, अपनी तरफ सारी आग भी कर ली, पर मैं वफादार हूँ स्कूल और माफिया का, मैं कभी उसको धोखा नहीं दूंगा। मेरे भाई की मौत का बदला तुझे देना होगा ड्राइवर, वो प्यार से तुझसे बात करने आया था और तूने उसको मिसाइल से मरवा दिया, तू मरेगा। मैंने बोला मैं भी मरूंगा, अरे मैं मरूंगा, मुझे मजा आता है मरने में, बट उससे ज्यादा मजा आता है मुझे मारने में। एले बेटे, जल गया, बदला, भाई का बदला, ले बदला, नमूने बदला लेगा। तो ठीक है, चलिए ज्यादा ही वायलेंस हो रहा है इस एपिसोड में, बट क्या करें यार, देखो एक ही एपिसोड में करना है टेक ओवर, तो भैया फिर तो वायलेंस ही वायलेंस, एंड आई लाइक वायलेंस, वो कहते हैं ना आई डोंट लाइक इट, नहीं आई लाइक इट, हमें पता है। तो ठीक है भैया, ये लीजिए, थोड़ा सा और प्रसाद दीजिए, क्योंकि इसने हमें थोड़ा चक्कर में घुमाया, इसने हमारे माइकल को हवा में उड़ाया, कैसे उड़ाया मालूम नहीं, बट फिर भी उड़ाया, हमको टेलीपोर्ट करवा के सफेद जगह पहुंचाया, इसीलिए दो चार गोली एक्स्ट्रा, बढ़िया विद मक्खन आ गया मज़ा। तो ठीक है चलिए, ये किस्सा ही बस सॉल्व हो चुका है, अब अपडेट लेते हैं कितने परसेंट हम लोगों ने इस कोरोना माफिया के ड्रग्स अपने कंट्रोल में कर लिए, कितने हद तक हमने उसके माफिया अपने कंट्रोल में कर लिए, कितने हद तक हमने बंदे खत्म कर दिए, चेक कर लेते तुरंत जल्दी। ड्राइवर भैया लेट मत, ड्राइवर तो बड़ा लकी बंदा है, जैसे बाहर आया बंकर से मेरे पास गोल्ड का फोन आया, भाई देख रहे हो गोल्ड का फोन किससे आता है, मरने के बाद ही जाना होता है वहां पर, तो मेरे पास गोल्ड ने साफ साफ फोन किया मुझे, बोला मैं गोल्ड बोल रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो फिर मैंने पूछा ठीक बता, हम ड्रग माफिया के लॉर्ड है गोल्ड ड्राइवर, तो मैंने बोला अच्छा ऐसे फोन ना, ड्रग माफिया का भगवान बता दे अपने आपको, हिंदी में सुन लीजिए आप, यार कुछ भी मुंह खोलते टाइम मुंह से जबान निकालते टाइम जरा सोच लेना चाहिए इंसान को, अपने आप को भगवान बता रहा है। तो पॉइंट ये है कि बोला हम इस लाइन के राजा है भगवान ड्राइवर, सालों से तू हमें कैसे मारेगा, मैंने बोला गोली से मारूंगा, सामने आ तू, बस फिर पता नहीं फोन काट दिया उसने, फिर नहीं बोला कुछ, बस इतनी बोला कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम भगवान है, ये है राजा है, सालों से बंदे आए हमें हिलाने के लिए, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैंने बोला बेटा मैं हिलाता नहीं, मैं उखाड़ देता हूँ, ठीक है बस डर गया वो, दोबारा फोन नहीं करें। अब उसको खुद एहसास हो जाएगा यार मैंने किसको फोन लगा दिया, ये आदमी नहीं कार्टून है, कार्टून का तो पता नहीं, बट ये आदमी शैतान है भाई। वो कहते हैं ना सब बच्चे ड्राइवर के आगे, अपने आप को शैतान हर कोई बोलता होगा कि भाई मुझसे बड़ा शैतान कोई नहीं है, मैं कहता हूँ सब बच्चे हैं, शैतान तो सिर्फ एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा, वो है ट्रेवर फिलिप, आज ही सुन लो। तो ठीक है ट्रेवर भैया आगे निकलिए, एक बार मेरी माफिया को मारने में कुछ और बंदे लगे हुए स्कोर माफिया के, दबा के लड़ रही है भाई में माफिया, हाँ नहीं मान रही स्कोर माफिया, दबा के छाने गई बिजनेस हमसे ना छीने, वह ट्रेवर छीन के मानेगा, फिर से बंदे भेज दिए, मेरे बंदे पहुँच गए, टैंक की लड़ाई चल रही है, आइए भाई साहब
लड़ाई हो रही है टैंक में, कोई बात नहीं कितना दम लगा ले, ट्रेवर ही बनेगा आज का लोड तो सबसे बड़ा। मैंने बोल दिया था आपको शुरू में ही कि बहुत ज्यादा बंदे चाहे मेरे को मारने पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसी एपिसोड बनूंगा सबसे बड़ा ट्रक माफिया। इनका एक बार कोई जड़ वाला पेन बंदा मिल जाए उसके बाद देखे मैं कैसे उसकी चटनी बनाऊंगा। दो बंदे हम लोग मार चुके ऑलरेडी बोस के, इसके स्कोर माफिया के दो तीन बंदे और मिल जाए इस एपिसोड में, उनको भी तैयार कर देंगे। उसके बाद मैं जाकर स्पीच दे दूंगा और देखता हूँ किसमें फिर कितना टाइम मुझे रोकने का। अब तो मैंने बना दिया ना, पहुंच चुका ड्राइवर जगह पर और चल लिए बढ़िया वाली, चलिए मजे लेते क्योंकि जहाँ वो और वहाँ ड्राइवर ना हो तो मजा ही नहीं आएगा ना। ड्राइवर भैया जूता खोल लो, उड़ जाओ लैंड। अरे भैया, अरे भैया, ये हमारा गेम हमारा स्वैग ही नहीं बना देता यार, ये बड़ा बदतमीज गेम है। अबे मैं इज्जत बनाना चाह रहा हूँ तो मेरी इज्जत खराब कर रहा है बार बार। ये ले बेटे टक्कर मारूंगा, टक्कर मारूंगा, ये ले बेटे आया मजा, दिमाग पर से पंगा लोगे तो मरोगे ही ना। ये ले बेटा, चलो 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 चलो, पापा से गुस्सा दिला दिया तुम लोगों ने, पापा तुमको खा जाएंगे। ओके हो गए ना, लैंडिंग सक्सेसफुल, दो बार मर गए। अरे बड़ा बस बस बड़ा, शांति शांति शांति, बाकी की शांति कहाँ पर है भाई, चेक करना पड़ेगा। मेरे बंदे अभी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ओके फाइनली काम हो गया। वैसे टक्कर मारने में उड़ करके किसी मतलब होता था भाई, ट्राई करूँ देखो अपने आप को चोट लग सकती है, ट्राई करने क्या जाता है। हेलो बेटे, कोई ना कोई हेलो बेटे, सॉरी यार, अरे सॉरी यार, देख मम्मा से ले रहा था मैं, हुआ तो नहीं थी कुछ, बस मैं ट्राई कर रहा था, ये मजा सा आया था थोड़ा सा। ठीक है चलिए, फायर वाली गाड़ी आई, घर से कचरा निकाल, फायर वाली गाड़ी आई, सॉरी। मेरे घर पर कुछ बंदे आए हैं नाश्ता करने के लिए, मैंने पूछा फोन करके, हाँ भाई क्या खाओगे नाश्ते, बंदे ने बोला पिस्ते मंगा ले, काजू मंगा ले, बादाम मंगा ले, ज्यादा करे तो अखरोट भी मंगा लेना। मैंने बोला कुछ और ना मंगा दूं, है भैया मेरे घर में खाए काजू पिस्ते बताओ करके। नमूना के सरदार आ रहा हूँ, ठीक है फिर मैंने बोल दिया ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। कुछ साथ में वो गर्मी हो रही है, मैंगो शेक पी ले, आजकल मैंगो शेक बहुत ट्रेंडिंग होता है आपको पता, गर्मी में ज़्यादातर मैंगो शेक हर जगह होता है अवेलेबल और बंदे घर में भी पीते हैं बहुत बार, उसको बहुत फेमस होता है इस टाइम पे मैंगो शेक इस मौसम में। तो मैंने बोला भाई ले आओ कर लिए, बोल रहा ठीक है ड्राइवर दो दो ग्लास मार लेंगे। मैंने बोला ठीक आ रहा हूँ, तो ठीक है दो दो ग्लास मैंगो शेक पी के जाकर घर पे अपने दुश्मन के साथ में और फिर इसके बाद उनकी जान निकालेंगे। पर फायदा क्या, मैंगो शेक पीने का छेद होते तो बाहर निकल जाएगा। हेलो, अरे कहाँ निकल गए, मेरा घर कहाँ है यार, ये हद हो गई है, दिखता नहीं है, इसको लाइट वाइट लगानी पड़ेगी लंबी लंबी। आ गया मेरा घर आ गया, मेरे ही गंजे मुझे ही मार रहे हैं, पहले मार दो फिर बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। अबे टकलो, अबे नारियल फोड़ दूंगा मैं तुम लोगों का, मैंगो शेक पी ले पी ले पी ले, मैंगो शेक पी ले, पिएगा नहीं ना, ले 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 ले, सरदारो बन गए नहीं था। ड्राइवर पापा से पंगा लेने आए थे, ड्राइवर पापा, अरे भाई मेरी आर्मी यार मुझे ही मार रही है, ये कैसे है भाई, तुम्हें किसने खरीद लिया, तू कैसे बिक गया बे भाई साहब, मैं दूसरों को खरीद रहा हूँ, ये मेरे बंदे बिक गए। ड्राइवर फिलिप्स की, फिलिप्स की एलईडी इतनी सस्ती नहीं हो सकती, कोई भी उसको खरीद ले, करोड़ों की आती है फिलिप्स की एलईडी, अमेजिंग लेवल, पता करना पड़ेगा यार, तो ये तो गलत काम हो गया कि मेरे बंदे कैसे बिक गए, या फिर कभी ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी के बंदे मेरे टीम वाले बन गए और ताकि मेरी आर्मी को कन्फ्यूज कर सके, हो सकता है दया, ताकि दिखा सके देखो हम तो बिक गए तुम भी बिक जाओ, समझ रहे हो, असली बंदों के बात बोले और फिर असली बंदे बिक जाएगा यार, ये बिक गए तो हम भी बिक जाते हैं, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो भाई बस समझ जाओगे थोड़ी देर में, बट पॉइंट यही है कि ये तो काम ठीक नहीं हुआ, मेरे घर पे मेरी आर्मी ने मारा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ट्रे भैया गाड़ी उड़ा दे, बड़े लग रही है बहुत बढ़िया, ओके दोनों उड़ गई, एक ही चार थे हम तो उड़ाना, दोनों उड़ गई। प्रेजेंट हाउस पर वो चल रही है, वो बहुत तगड़े वाली। ट्रे भैया जल्दी निकल जल्दी, अरे भाई स्कोरन माफ़ है पागल हो गया, अब से दिखा ड्रग लोड बनना है एक एपिसोड में तो ऐसे ही होगा। वो बहुत बंदे भेजते उन्होंने एकदम से, क्योंकि उनको दिखाई देगा मैंने उनके 70-80% बंदे अपनी टीम में कर लिए, तो वो उनको भी मारना चाह रहे और मेरी टीम को भी, क्योंकि उनको लगता है वो गद्दार है, अब सीधी सलाते गद्दारी तो गई है ना, मेरे साथ आ गए उनको छोड़ के, तो डंडा बजने वाला है बट मैं बजने नहीं दूंगा भैया। अरे भाई ड्राइवर उड़ा ले इसको, थोड़ा और स्पीड बढ़ा ले, बढ़ा ले बढ़ा ले, बढ़ाने से याद आ गया बादशाह पिक्चर का डायलॉग, सही बताओ मूवीज बहुत देखी है मैंने, तो बादशाह पिक्चर है उसमें जो वो एक केस लेके आता है बंदा शाहरुख के पास में, तो क्या बोलता है वो, अपने जोलीवर बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले, तो पैसे बढ़ाने की बात बोलते हो, और बड़ी कॉमेडी मूवी देख रहा उसको, अच्छी मूवी। तो ठीक है चलिए जल्दी से आगे निकलना, आगे निकलना, आगे पहुंच गए अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, आगे बढ़ते हैं। उस पर पहुंच गया हूं मैं, क्या चल रहा है ये, हाँ भैया ड्राइवर हमें जल्दी 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 खेले बैठे आए मजा, कैसी रही, बहुत बढ़िया खेल तक छोड़ी थी मैंने गाने से पहले, तो उसी वजह से इनका बैलेंस खराब हुआ था। ड्राइवर बेटे मार इन मच्छरों को, मेरे आर्मी को मारने के लिए, बेटा जी देख रहे सारे के सारे बंदे मेरे को मारने के लिए, मेरी आर्मी को मारने के लिए लेकर गए फाइटर प्लेन, लाओ लाओ मिले तुम सुर, मतलब मिले सुर तुम्हारा हमारा, अभी आएगा मज़ा सबको। ले बेटा ड्राइवर से पंगा लेने का, नहीं नहीं तो ड्राइवर नंगा कर देगा जब भी को,
जल्दी जल्दी जल्दी, एलियन गन गई तेल लेने, एलियन गन से कोई असर नहीं हो पा रहा कार को, मतलब फाइटर प्लेन बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं कर पा रहे भाई सब हम लोग। एंड वैसे फट रहे हैं, टाइम लग रहा है बट फट रहे हैं। अरे भाई एलियन गन ना हो गई, कबाड़ा हो गया, कुछ नहीं हो रहा भाई। अरे कौन से चोर बाजार से गोली खरीदे अपनी बार, चूरा लगा दिया, असर नहीं करती। अबे किसने मुझे मारा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। भाई ये प्लेन्स मजबूत है यार, ये नहीं मर रही। कोई बात नहीं, मेरे को मारेगा तू, मेरे को मारेगा मच्छर, मेरे पर मिसाइल डाल रहा है। अरे अरे मार दे, मार दे, मार दे भैया, अरे मार दे, मार दे भैया, फिर से मार दिया। अरे अरे आए जा रहे, अरे इनसे लड़ना तो बड़ा मुश्किल है यार, कैसे मारे मैं इनको। ये लड़ा एक सेकंड और, ये लड़ा, ये बुलेट प्रूफ है, एलियन गन प्रूफ है, इनमें कुछ नहीं होगा, हर चीज़ से प्रूफ है, अपनी पावर से मार के फिर। ये लड़ा चल, नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा, हो जा, हो गए हो गए हो गए। अरे हो रहे एक प्लेन फटा था, ले बेटा आ जा आ जा आ जा। अरे यार बहुत सारे हैं भाई, वेट करते हैं, मैंने बहुत सारी एलियन गन मारी है, क्या होगा थोड़ी देर बाद ख़राब हो, टाइम होता है ना बहुत सारी चीज़ों का। अरे मार दे रे मार दे, ड्राइवर भाई को मारेगा तू, वह मच्छर भाई। ये अटैक अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक लगा मेरे को, क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ कर पाता तो अब तक मर जाते। रिप्लेन्स रॉकेट प्रूफ है, हाय 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 आया मज़ा, स्वाद आ गया स्वाद आ गया स्वाद आ गया। तो ठीक है भैया थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ये फट जाएंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। देखो इनको वीक करना पड़ेगा, इनकी बॉडी थोड़ी मजबूत है, और भाई सीधी सी बात है जो बुलेट प्रूफ होते हैं, आरपीजी प्रूफ होते हैं ना, उनको मारने में बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को इतना टाइम लग जाता है, कभी कभी फटते भी नहीं हो चीज़ें, क्योंकि उनको बनाया जाता है, बट डिज़ाइन ऐसे किया जाता है उनको। मिसाइल को बुलाया जाए सलीम, एक काम कर दो, मिसाइल बुला लेते यार, मिसाइल बुलाएं तो मिसाइल कमाल कर दे। ड्राइवर भैया फोन लगाओ, मैंने मिसाइल छुड़वा दी है, एक मिसाइल यहाँ पर गिरने वाली है 30 सेकंड के अंदर अंदर, और अभी देखता हूँ किसमें कितना दम है। ड्राइवर बेटे ज़रा इधर आकर के नज़ारा देख ले मेरे लाल, जल्दी 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 ये सारे प्लेन्स फटने चाहिए भाई, मिसाइल से भी नहीं फटे ना फिर समझ लो भाई इनको पाड़ना बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि ये हो जाएगा बहुत खतरनाक। आ जा बेटी आ जा जल्दी 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 जल्दी, एंड ये ले बेटे कहाँ तक इम्पैक्ट गया देखना, ये है फटे नहीं फटे। अरे यार ये ना फटने वाले भाई, ना ना भैया टाइम वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन कह दो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है जितना टाइम लगेगा निकलते हैं इनको मार मूर के, उसके बाद देखेंगे सारी की सारी चीज़ें। ड्राइवर बेटे पकड़ इसको नमूने को, ले बेटे ओ भाई एकदम सुपरमैन वाली फीलिंग आती है प्लेन के पास जाती तो। जल्दी जल्दी भाई लैंडिंग कर सकता है किसी प्लेन के ऊपर, अगर कर सकता है तो कुछ कर सकते हैं, फिर हम लोग अगर ये घूमें तो लैंडिंग सक्सेसफुल हो सकती है। एंड अरे ना भाई नहीं हो सकती, रे भाई सीधा हो जा, ओ भाई सीधा हो जा, तो देखना पड़ेगा यार, नहीं हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, वेट ही कर सकते हैं फिर, ठीक है वेट कर लेते हैं। पूरी 15 मिनट लगी मेरे को उन बंदों को दिया करने में, यहाँ मार लेके गया बंदे, फिर खुद फटते चले गए, उसके बाद 2-4 और मिसाइल डलवाई, तब जा करके वो वीक हुए, फाइनली दिया। अभी कोई प्लेन नहीं बचा हुआ। एक और बेस्ट इन्फॉर्मेशन लिए स्कोर माफिक, बहुत बड़े 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 इतने बड़े बड़े VIP बंदे वहाँ पे घुस के बैठे हुए हैं कि अगर उनको मारा तो लाइफ जिंगल आ रहा है। सच्ची है भाई, उनको मारने से इनकी बैकबोन पूरी खत्म हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिली अली ने बुलाया कि ड्राइवर था, अब ये जो VIP बंदे उस बेस पर अगर आपने उनको दिया एंड कर दिया समझ लो स्कोर माफिक के सिर्फ मेन ही बहुत बचेंगे, जो कि 9 बचे हुए हैं बस, और सब खत्म। मैंने बोला यार मजा आ गया, डर तो अच्छी हुआ, ड्राइवर चाहे तो एक ही एपिसोड में बंदों को चटका सकता है अपनी पर आ जाए तो। मैंने बट फिर बोला सिचुएशन के सबसे काम होता है, ड्राइवर को मारना तो इसने मारा, ये नहीं मारता तो भाई 20-25 एपिसोड तक नहीं मारता किसी को भी, बट देखो आज इसको एक ही मारना था तो एक ही मारते सभी को, और सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनने वाला ड्राइवर थोड़ी देर में, क्योंकि लॉस्ट का भी थोड़ी देर फोन आया था, रिपोर्ट मिली है मेरे को बाला वालों की तरफ से कि ड्राइवर सर इतनी ड्रग्स आ चुकी है, कई तो सारे तक पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा हो चुका है। मैंने बोला बढ़िया संभाल के रख, मैं आता हूँ अभी कुछ काम करके ज़रूरी, हिलना मत वहाँ से। तो ठीक है चलिए चेक करते हैं भाई कितना टोल पड़ने वाला वो बेस, जाते हैं बंदों को सीधा करते, दिया भी बंदों को पकड़ के लेकर जाते हैं और उनको सरे बाजार में बांध के प्रेजेंट हाउस पर ही मारूंगा मैं। बेस पर पहुंच चुका हूं, बंदे अभी तक दिखे नहीं है मुझे लगता है पूरा पूरा बेस खाली है भाई, बंदा यहां पर कोई भी नहीं है। हेलो भाई कोई खटवा नहीं यहां पर है तो फटाफट से बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो मैं बता दूंगा तुम लोगों। हेलो बैठे ड्राइवर आया है, लगता है पतली गली से ड्राइवर खौफ से बंदे भाग गए। खौफ बहुत बुरी चीज़ होती है भाई, जब इंसान को लगता है ना कि उसकी मौत बहुत बुरी होने वाली है तो भाग जाता है, क्योंकि ट्रेवर ने इतना बुरा मार के रखा है बंदों को और इसकी आर्मी ने, इतने बंदे मर गए आज की डेट में, इतने बंदे मर गए। लॉस सैंटोस से गवर्नमेंट ने मेरे को बोल रहे हैं ट्रेवर से बॉडी उठा थक गए हम लोग कहाँ लेके जाए इनको, मैंने बोला जला दो भाई, जानकिन को घर भिजवा दो उनके, जैसे कर सकते कर लो मुझे फ़ोन मत करो क्योंकि आज तुम बॉडी गिनो बस बैठ करके। तो बंदे बोल रहे ट्रेवर सर इतना ठीक नहीं होता इतना बुरा मारना किसी को, मैंने बोला बेटा ये बोल के इतना ठीक नहीं किसी को छोड़ना, तो आर्मी को तो मैंने सुला दिया, डर गए यार आर्मी वाले बंदे भी क्योंकि वो भी इतना नहीं मारते किसी को एकदम से, बट ड्राइवर तो कुछ पागल हो गया अलग लेवल का, हजारों बंदे मार दिया एक ही दिन में, कोई बात होती है कहाँ जाएंगी इतनी बॉडीज़।
तो ट्रेवर भैया ये बेस पूरा खाली है, मेरे आने से पहले बंदे निकल गए पतली गली से और सब कुछ माल वाल ऐसे छोड़ गए, आप देख रहे हो यहाँ पर सब भैया ऐसे भाग गए। भाई सीधी सी बात है, मौत इतनी बुरी चीज़ होती है, आदमी पैसा भूल जाता है, फिर सोचता है बस जान बच जाए बाकी देख लेंगे। सोना वो ना सब छोड़ गए, कैश सोना और देखते और क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, किसी तरीके का केमिकल भी यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो रेडियो एक्टिव कुछ है यहाँ पर, ये भी है और क्या क्या चीज़ें रखी यहाँ पर, ये लो ओके न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, ट्रक के डब्बे भी है, देख रहे हो सब छोड़ गए भाई, सब छोड़ दिया, मौत का डर भाऊ भैया मौत का डर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। एरिया 555 में जाना है, मुझे मजाक नहीं कर रहा, एक जगह है जो कि माफिया ने जल्दी बनाई थी कुछ टाइम पहले और पहले भी थी अब भी है, वहाँ भाग गए सारे बंदे, यहाँ से निकल के वहाँ भाग गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर जाकर मार लूँगा, अली ने तो मेरे को एड्रेस दे, ठीक है पहुँचने वाला हूँ, बस 2-4 मिनट पहुँच जाऊँगा एरिया 555। अब बनाएंगे इनका बचपन, ड्राइवर से पंगा लिया, ड्राइवर बनने वाला है सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड माफिया पूरे वर्ल्ड का, थोड़ी देर में सबको झुका डाला भाई, सबको झुका डाला। खैर भाई मौत के आगे तो झुकना ही पड़ता है, क्योंकि सबको पता है ड्राइवर के अंदर इतनी पावर है, कुछ पैसे भी डरते हैं ना बंदे, ड्राइवर अड्डे बड्डे को बना सबसे बहुत डर रहे और बंदे, क्योंकि सबको पता है मरता सकता नहीं है, मार देगा इसलिए डर गए बेचारे। एरिया 555 में आ चुके सारे बंदे, यहाँ पर आर्मी वाले बंदे बन करके बैठे हुए हैं, हर बंदा आर्मी के ड्रेस में ताकि ड्राइवर को बेवकूफ़ बना सके। डर गए भाई, डर गए, आर्मी बन के बैठे ताकि ड्राइवर सोचे मेरी आर्मी के बंदे मत मारो, अरे भाई मुझसे बच जाओ, गलियाँ से थोड़ी बचोगे, मजे हमारे को खट पालो, आ जा बैठ, आ जा बैठ, ये ले बैठ, चल 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 निकल चल निकल, नमूने आए बड़े, ठीक है चलिए बंदो को सुला डालो, आवड़ा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, थोड़ा सा और ले लो आशीर्वाद ले लो, एक दो बार और ले लो, चलो चलो आसमानों की सैर करो, ये लगा तो मैं जिंदा को मैंने बना दिया ना नेता, उड़ो 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 और उड़ो और उड़ो भाइयो, उड़ते रहो, उड़ने में ही मजा है, ये लो और लो, ठीक है चलिए ये ले बैठे तो भी ले निकल लो, ठीक है ये बंदा खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते जरा बड़ा, ये बंदा भी खत्म एंड ये भी खत्म, बहुत बढ़िया, खुल जाओ सिम सिम, नहीं खोलेगा बंद करेगा इसको, अरे बड़ा चूज ओपन कर, चूज ओपन कर, सबसे पंगा लेने वाला बचा है क्या बाबू भैया, इधर देखो अरे बड़ा इधर आया, ये बंदा खत्म, ओके ये बंदा भी खत्म, और कोई है खत्म करेंगे सब, किसी को नहीं छोड़ेंगे ये कोई, आ जाओ बेटा मेन वीआईपी बस किधर है, बाहर निकल करके आओ भैया, ड्राइवर भाई आए हैं एरिया 555 में, तुम्हारा बचपन याद दिला देंगे, काश तुम बचपन में सुधर जाते तो आज यहाँ पर तुम नहीं पहुँचते मरने के लिए, तुम्हारी उल्टी हरकतों ने तुम्हें मरवा दिया, बैठे दम देख रहे हो बंदे का दम, भाई क्या बोले क्या बोले, ले बैठे आया बड़ा नमूना, पापा ड्राइवर से पंगा नहीं, पापा ड्राइवर से पंगा बिल्कुल नहीं लेना ना, मर गए ना सारे के सारे बंदे, बहुत बढ़िया ड्राइवर भैया, ड्राइवर चेक कीजिए एंड देखो कोई और नमूना जिंदा आएगा, बहुत बढ़िया, वीआईपी कबूतर नहीं दिख रहे मेरे को, कौन से घोंसले में चले गए भैया, एक सेकंड, अरे मरा नहीं भाई तू, अरे नमूना, अरे भैया मुझे भी गिरा डाला, मुझे भी गिरा डाला तूने, अरे नमूने, तो ठीक है चलिए अभी चेक कर लेते हैं भाई फटाफट से कि वो असली कबूतर कहाँ है जिनको हम पकड़ने आए थे, पकड़ते हैं फिर उनको देखते हैं लेकर के निकलते हैं प्रेजेंट हाउस पर, क्योंकि वहीं पर उनकी मौत स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट के साथ मक्खन लगाई करी जाएगी, देसी घी के साथ मजा आ जाएगा। वीआईपी को पकड़ के लेकर के आ चुका हूँ मैं, 4 वीआईपी थे जिनमें से 3 को मैंने वहीं छील दिया, बिल्कुल एकदम छील दिया ऐसे करके, तो एक बचा, सबकी एक जो शक्ल बना के रखी थी बंदों ने, पता नहीं इस टाइप का मास्क पहन रखा था, ये देख रहे हो कौन से लेवल का बदतमीज लग रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता, बट ये है असली बैक बोन स्कॉर्पियन माफिया की, वो चारों बंदे जिनमें से 3 मर गए, एक को मैं लेके आया मिसाल कायम करने के लिए, मिसाल भी तो कायम करनी है तभी तो मिसाइल काम की बनेगी, इसको मारूंगा दुनिया के सामने, और इसी के साथ साथ स्कॉर्पियन माफिया का दबदबा खत्म। भैया जी मैं कॉम्प्रोमाइज करने आया हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है यार भाई, भाई कॉम्प्रोमाइज कर ले यार, देख इससे करेगा ना, हाँ इससे करेगा कॉम्प्रोमाइज, हाँ भैया हेलीकॉप्टर वाले बंदो शूट करो, लाइव जाना चाहिए पूरे पूरे वर्ल्ड में हर जगह, और स्पेशल चलाना स्कॉर्पियन माफिया के पास में ताकि उनको देखकर मजा आए, बेटा हीली मन में लड्डू फूटा, 2 रुपए में 2 लड्डू, अब तो वो भी नहीं आते, ये ले जल्दी जल्दी खा ले। तो इसी के साथ साथ ड्राइवर ने लॉर्ड माफिया जो भी बनते थे बंदे, ड्रग माफिया के सरताज, राजा, फूफा फूफी जो भी थे, सब खत्म, कोई जिंदा नहीं बचा, मैंने सबको मार दिया, अब स्कॉर्पियन माफिया के मेन हेड ही बचे, 2-4 जो बचे मतलब वही 9 बंदे और सूजन, उसके अलावा इनकी सारी आर्मी मैंने अपने कंट्रोल में कर ली, वो मेरे लिए काम करने लग गए, वर्ल्ड में इनकी जहाँ जहाँ ड्रग्स थी वो सब मैंने कंट्रोल में कर ली, अब कोई इनके पास नहीं है भाई, कुछ भी अपडेट आ चुका है पूरा का पूरा, बाला वाले बंदे लिबर्टी सिटी में मेंशन कब जाए बैठे हुए हैं, किसी दिन टाइम लगेगा तो दिखाएंगे, वाइस सिटी पूरा अपने कंट्रोल में आ चुका है, हर जगह लॉस सैंटोस में भी है, लॉस सैंटोस में मतलब नहीं कोई है, मैंने सबको यहाँ छील दिया, बाकी जगह बंदों ने बाकी जगह पर छील दिया, बहुत बंदे देखो यार हर जगह हम देख नहीं सकते, हम ट्रेवर के पीछे तो देख सकते हैं ना, बाकी अलग अलग जगह बंदे अलग अलग काम करते हैं, अब सभी के ऊपर स्विच नहीं जाएगा गेम, बट सारी जगह पे वोर से वोर चली, आप समझ सकते हो इस एपिसोड में ट्रेवर ने खुद कितने बंदे मारे,
जब से एपिसोड शुरू हुआ ट्रेवर एक जगह नहीं बैठा, बंदे ही बंदे मारे, कहीं पर भी शांत नहीं हुआ। इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस एपिसोड में आपने देख लिया, शुरू से लेकर एंड तक इस एपिसोड में पूरी लड़ाई लड़ाई है। अब क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी माफिया खत्म करनी थी एपिसोड में तो करना बनता है। और मैंने तो सिर्फ लॉस सैंटोस साफ करा है, बाकी अलग अलग गैंग मेरी अलग अलग जगहों पर जाकर उनको साफ कर रही है। अरे गए बंदे, जरूरी थोड़ी हमने सबको मारा है, आज तो डर के हमारी टीम में आ गए, हमारा फायदा हो गया। बंदे मानते नहीं यार, मेरे बंदे बोल रहे ड्राइवर सर बस थोड़ी देर में अभी प्रेस में दे देंगे बात न्यूज में। मैंने बोला तो ठीक है यार, बस जब ही दे देंगे। बोल रहे ना ड्राइवर सर 100 लिमोजिन मंगाई है, रैली करनी है पूरे शहर में। मैंने बोला तुम थकाओगे मुझे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, ड्राइवर ड्रग लोड बनाया बहुत बड़ा तो इसलिए रैली तो होनी चाहिए ना भैया मोहल्ले में। तो भाई बहुत ज़्यादा लिमोजिन से, पूरी 100 लिमोजिन से बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा, पर आप देखते रहिए मज़ा ही आने वाला है। इतनी ज़्यादा गाड़ियों के साथ पहली बार हम लोग रैली कर रहे हैं पूरे शहर में, क्योंकि ड्राइवर को दिखाना है ना। फिर ड्राइवर ने टेक ओवर कर लिया स्कोर और माफिया के सारे बिजनेस को, अब ड्राइवर संभालेगा हर एक चीज़ जिसको काम करना है। पैसा चाहिए, ड्रग्स चाहिए तो ड्राइवर के पास आए, नहीं तो मर जाए, कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स सिर्फ ड्राइवर के अलावा। रोएंगे ड्रग मतलब स्कोर और माफिया रोएंगे, मैंने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया, उनका पैसा उनकी पावर, अब सिर्फ सूजन है उनके पास। और नो भाई, अब सूजन के एक्सपेंट भी बिकने नहीं दूंगा, मैं मजबूर कर दूंगा इतना के बर्गर खाने के पैसे नहीं होंगे उनके पास। चलिए बढ़िया, मैंने फिर बोला था देखो आप ड्राइवर को हल्के में लेते हैं बहुत से बंदे, भाई ड्राइवर अपनी पर आ जाए तो एक एपिसोड में कहानी बदल सकता है ड्राइवर। बट देखो स्टोरी इसके ऊपर चलती है, हम कुछ नहीं कह सकते फ़ोन करके भाई मार ले भाई मार ले। आज ड्राइवर को मारना था, ड्राइवर ने एकदम मार दिया, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से काम होता है ना, ड्राइवर के मूड के ऊपर बात है। ड्राइवर को परेशान किया इस माफिया ने सबसे ज़्यादा, आज तक इतना ज़्यादा परेशान किसी ने नहीं किया, सच्ची बात तो ये है। दुनिया की पहली माफिया जिसने ट्रेवर को दिल तक निकलवाने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए ट्रेवर ने इनको अलग लेवल से मारा। अरे भैया इतनी भीड़ में रैली कैसे कर पाओगे तुम लोग, चलो ठीक है करो 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 कोई बात नहीं भाई, देखते कब तक ये रैली होगी, एक घंटा दो घंटा चार घंटा, बट अब यार जब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। वो कहते हैं चलो ठीक है देखते हैं, अरे थोड़ा बम बम फोड़ लेते यार तो और मज़ा आता, आतिशबाजी तो करो ताकि मोहल्ले में शोर हो, गली गली में शोर है। ड्राइवर भैया ना 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 चोर वोर नहीं है ड्राइवर भैया, शेर है ये, फालतू का डायलॉग नहीं है ये, दूसरों के लिए काम करता होगा ड्राइवर भैया के लिए काम नहीं करता। ड्राइवर भैया पहले चोर था अब चोरों का राजा है, अब ड्राइवर अलग ही लेवल है। तो वेट करते हैं भाई, पता नहीं कितना टाइम जाएगा रैली में। देखो मेरे को रैली पहले मज़ा बिल्कुल नहीं आता, गाड़ी में खड़े रहो स्टैचू की तरह, कुछ करते सकते हैं नहीं। एक काम करता हूँ मैं ही फोड़ लेता हूँ दो चार रॉकेट, चलो भाई तुम चलते रहो ड्राइवर भैया ऊपर फोड़ो रॉकेट वाला, ये रॉकेट बोलेंगे इससे क्या होता आराम से। ड्राइवर भैया अपनी खुद ही रॉकेट फोड़ लेते हैं, मेरे बंदे तो दमू नहीं है, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो एक बंदा गाड़ी के ऊपर खड़ा होता और फोड़ता कि देखो ड्राइवर भाई जा रहे रैली कर रहे हैं सब घर से बाहर आ जाओ देखो ड्राइवर भाई को। तो ठीक है करते भाई, देखो मैंने फिर बोला इसको स्कूटी करना पड़ेगा क्योंकि तो बहुत लंबा चलने वाला, नहीं तो रैली तो पूरे लॉस सैंटोस में करनी है और बहुत बड़ा लॉस सैंटोस है। तो ठीक है थोड़ा और दो चार रॉकेट मार लेते हैं, चलो 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 चलते रहो चलते रहो। अच्छी बात क्या कोरोना वायरस की तरफ से, कोरोना वायरस बोल रहा हूँ धोम्बी वायरस की वजह से लॉस सैंटोस खाली है, तो रैली करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हो वहाँ पर भीड़ थी थोड़ी शुरू में, बट यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नहीं है, तो भीड़ कैसे होगी भैया। क्या हो गया भैया क्या हो गया, यहाँ पर थोड़े रुकना आएगा। तो ठीक है भाई रैली देखो बहुत टाइम लगाएगी खत्म होने में, कहते नहीं कितना टाइम लगेगा, ऊपर से 50-100 गाड़ी मतलब इतनी गाड़ियाँ लेकर के निकले हैं नमूने, मैंने तो बोला था भाई बिल्कुल भी, पता नहीं खुद ही लाए। फिलहाल गेम स्विच हो करके आया है डॉक्टर ओल्ड पर, भाई डॉक्टर ओल्ड कैसी कैसी जगहों पे घूम रहा है। हेलो भैया आराम से फिर ले नहीं है जगह, ये तो लंबे सीढ़ियाँ हैं आगे बढ़। अरे भैया जगह मेरे को देख के याद आ रही है, बताओ किसके 5 रुपये पेटीएम मिलेगा ड्राइवर की तरफ से, वैसे बहुत अमीर हो गया आज तो, वो वैसे भी दे देगा तो ड्राइवर, बट ड्राइवर को फ़ोन लगाना पड़ेगा, आपको झूठे मुझे फ़ोन मत करना। तो ठीक है ड्राइवर भैया आगे निकलो मतलब ड्राइवर बोलो डॉक्टर ओल्ड आगे जा बेटा। भैया ये जगह ना स्टोन की है, ज़ार का दुश्मन डॉक्टर ओल्ड यहाँ वहाँ पे कैसे घूम सकता है, इतना पावरफुल है, दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकता है ये। इसके ऊपर स्विच आया देखो, हम इसको देख सकते हैं स्पेक्टेड कर एक तरीके से, बढ़िया भाई स्विच जब से बंदों के ऊपर आ रहा है ना तो इनकी काफ़ी कहानी हम लोग देख सकते हैं। हेलो चढ़ गया डॉक्टर ओल्ड फाइनली, बढ़िया तेरे पैर छोटे पड़ रहे हैं यार, ये सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊँची है। तो ठीक है भाई साहब आ गए फाइनली ऊपर, तो ये नया बेस है स्टोन का, पहले अलग था आपको याद होगा, बट ये नया बेस उसने लिया है। अब इतने अमीर बंदे हैं भाई दुनिया भर के बेस ले सकते हैं, हमारे पास क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कौन सा टेंशन है, ले लो भाई इन्हें कौन सा पैसे देकर प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, तो अपने पावर से बना देते हैं नए नए बेस। तो सामने है स्टोन, तो ये बंदा स्टोन से बात करने आया है डॉक्टर ओल्ड, ठीक है कोई बात नहीं कर लेते आगे जा करके, अगर जो बात हमारे काम की सुनेंगे तो हम है ही, कुछ काम की तो समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी। डॉक्टर ओल्ड ने स्टोन से बात कर ली, बोल रहा है तू फिर आ गया, कोई बात नहीं मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तूने अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ खोया है पर मैं
तेरी लाइफ सुधार नहीं सकता, क्योंकि तू जो तू पाना चाहता है उसके लिए कीमत बहुत बड़ी देनी है और तू दे नहीं सकता। डॉक्टर ओल्ड ने कहा है कि मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहिए मेरे बेटे के साथ, और मैं ताकतवर भी बनना चाहता हूँ ताकि कोई मुझे और मेरे बेटे को फिर कभी तकलीफ ना दे सके। इतनी बात हुई है बस, अब देखना यह है। हमने मोटिव पता कर लिया डॉक्टर ओल्ड का, इसको अपना बेटा चाहिए चाहिए, तो इसका दिल से बेटा तो जिंदा नहीं होगा जो आप लोगों ने बहुत से सोचा होगा डॉक्टर ओल्ड अपने बेटे को जिंदा करेगा, ना किसी और तरीके से उसको करवाना चाहता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस पाना चाहता है। स्टोन के पास ही आया, स्टोन इसको पहले से जानता है और इन्होंने पहले भी कुछ बात करी होगी आपस में, क्या है इनका रिश्ता, कैसे एक दूसरे से मिले, वो स्टोरी में धीरे धीरे आगे खुलेगा। बाकी ये कुछ करवाना चाह रहा होगा डॉक्टर ओल्ड से, बड़े बोल रहा तुमसे ना हो पाएगा। देखो पूरा नहीं समझ सकते थोड़ी सी बात में, बड़ी इतनी बात है कभी ना कभी तो हम डॉक्टर ओल्ड के इसकी बात जान ही लेंगे कि आखिर स्टोन के और डॉक्टर ओल्ड के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, एक दूसरे को कैसे जानते हैं, वक्त आएगा तो पता लग जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यार डॉक्टर ओल्ड, मतलब डॉक्टर ओल्ड जी निकलिए यहाँ से, जब स्विच होगा तब की तब देखेंगे। बट स्टोन को पहली बार हमने देखा है आज गेम प्ले में, नहीं तो हमेशा हम लोगों ने इसको सिर्फ सिनेमैटिक में ही देखा है। एंड स्टोन नाम का भैया ये बड़ा पावरफुल हो सकता है, देखो कोई आइडिया नहीं कितना पावरफुल होगा ये बंदा, क्योंकि आज तक कभी इससे हमने लड़ाई होते नहीं देखा, कैसे कैसे बंदों को मारेगा, कितनों को मार सकता है वो बाद में देख लेंगे फ्यूचर में जब कभी लड़ाई होगी। अभी तो जार पता नहीं कहाँ पर है, वही तो मारेगा इसको अगर मारा भी तो। ट्रेवर को गेम स्विच हो चुका है भाई साहब, तालियां ऐसे बज रही जैसे ट्रेवर यहाँ का भाई प्रेसिडेंट बन गया हो, भाई ड्रग माफिया बना है बहुत बड़ा, तालियां बजा रहे लॉस सैंटोस के बंदे पागल है। क्योंकि देखो ट्रेवर ने नाम रोशन करा, चाहे वो क्रिमिनल टाइप में करा बट कर दिया, लॉस सैंटोस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है बहुत तगड़े तरीके से, यहाँ की पुलिस भी आई है, मैं देखो मैंने स्पीच रखी थी सब आए। अब तो ट्रेवर ने अनाउंस कर दिया कि अब से जो कोई भी ड्रग का काम करेगा उससे मुझसे डील करनी होगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हूँ आज से नया ड्रग लॉर्ड। स्कॉर्पियन माफिया को मैंने दी एंड करके उसको टेक ओवर कर लिया है, और सब ने देख लिया लाइव जब मैंने उसको मारा था ऊपर, सब ने सब देख लिया, सबको पता लग गया, अब सिर्फ सूजन और नो भाई जिंदा है, बाकी दो भाई भी ट्रेवर ने मार दिए, उनका सारा कैश मैंने कंट्रोल में कर लिया, सबको सब पता लग गया भाई कि वो दी एंड हो चुके माफिया, ट्रेवर ने सबको मिटा दिया। मैंने तो पहले ही बोला था ट्रेवर जब अपनी बार आता है तो वो सब भूल जाता है कौन है सामने कौन नहीं, क्योंकि सिर्फ उसको सब टारगेट पाना है। तो फाइनली ट्रेवर ने वो कर दिया भाई एक ही एपिसोड में, जो शायद से हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी माफिया में इतना दम ही नहीं है कि एक ही दिन में पूरी माफिया को हिला डाले यार। तो हमने बहुत बंदे मरवाए, पूरे वर्ल्ड में तबदाव करा, एंड अभी सभी माफिया जो जितने मेंबर्स हैं ना अलग अलग शहर में जो रहते हैं, सब ने कह दिया, फ़ोन पर बात हो गई है सबकी लेस्टर से, सब ने बोल दिया कि हम ट्रेवर सर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मौत का डर है बाबू भैया, सब मान गए हैं मेरे साथ काम करने के लिए, हर किसी ने स्कॉर्पियन माफिया को छोड़ दिया, अब सब मेरे साथ ड्रग की डीलिंग करेंगे और पैसा मुझे मिलेगा, तो दुनिया का सारा ड्रग्स अब ड्राइवर संभालने वाला है, तो बन गया ना ड्राइवर ड्रग लोड, अमेजिंग। अब देखो देखना यह है कि अब ड्रग लोड बन तो गया, अब करना क्या हमें, क्योंकि ड्राइवर इलीगल काम कभी नहीं करता, क्योंकि मैं ड्रग्स वगैरह काम कभी नहीं करता आपको पता है। अब देखते हैं क्या करना है इतने सारे ड्रग्स का या कैसे काम होगा, वो फ्यूचर में बदल आएगा। निकलते हैं यहाँ से, जो हमें पाना था हमने पा लिया, अब देखना यह है कि स्कॉर्पियन माफिया अब क्या करेगी, अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने उनके पास, पावर भी ख़त्म, गैंग भी ख़त्म, सब ख़त्म। क्या वो रोजा क्या सोच रही हो, ट्रेवर के बारे में, उस दिल के बारे में या पैराडॉक्स के बारे में? पैराडॉक्स लौट आया है अपने महल में, पा दिया है उसने जोश को पाना था।